time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend, she's 23. She left her body and hovered above me. गाइस आप सबका स्वागत है टक लगे मेरे चैनल में। जो भी स्ट्रीम देखे लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो फटाफट। फ्री फायर स्ट्रीम करना प्लीज। करेंगे करेंगे यार करेंगे। आज नहीं आज जरा जेटे खेल दो करो ना फ्री फायर चिकन। करू करू टेंशन मत ले बेटे। मेरा 926 है। थिंक अबाउट कॉल साइन। दिमाग में सोचो कॉल साइन और फिर टीटी तुम्हारा जो नंबर है वो। साथ तेरे लगाएगा क्या गंजे? सेट कर दिया ना? हाँ अभी ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हो जाओ एक बार। ए ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी आ जाओ। ठीक है 8:04 10:41 10:04 चलो कोड वन निकलो सब लोग। तेरी आवाज नहीं आ रही रेडियो पे। हेलो अब सही है। बोल ही नहीं रहा था मैं।
गाड़ी में उनको क्या बोलते हैं अपने यहाँ 10-11 में, क्या नहीं ऑक्यूपेंस? ऑक्यूपेंस, मेरे याद ही नहीं रहता वो परसों बोलता हूँ मैं ठीक है ना, ऑक्यूपेशन बोलूंगा 903+1 परफॉर्मिंग कोड 1 फ्रेंड फॉर ऑल द कोड 1 का 15915 परफॉर्मिंग कोड 1+1 देखो बाकी क्या। चलो चलो कुछ गया देखो पुलोवर गाड़ी का नाम क्या है, सेडान दे गाड़ी में बैठी है सर जी। सर पीछे देखो क्या चल रहा है, डिप मार रहा है। TT-915 परफॉर्मिंग 10-11 एट ब्लैक कलर कार, वन ऑक्यूपेंस इज देयर एट लीजन स्क्वायर, नो एडिशनल यूनिट रिक्वायर्ड। हेलो हेलो, क्या हेलो, नाम है सर जी आपका? मेरा नाम सर मैक्स है, क्या मैक्स कार्टर। ओके गाड़ी आपकी? नहीं सर दोस्त, आपने अभी एक्सीडेंट किया है गाड़ी का? नहीं सर मैं टर्न लिया था पर वो गाड़ी एकदम स्पीड में आ गई। आप रॉन्ग वे से चल रहे थे गाड़ी, आप उन आपकी गलती है उनकी अरे नहीं। तो 4% रिस्पॉन्ड है अरे सर मैं आगे जा रहा था बट वो मेरे सामने गए इसलिए मैंने अचानक से लेफ्ट लिया। ड्राइविंग तो लाइसेंस है तुम्हारे पास? ड्राइविंग लाइसेंस है ना सर, दिखाई। एक मिनट, नहीं सर लाइसेंस लाइसेंस गाड़ी तो मैं गाड़ी तो के कागज है सर, मेरी गाड़ी नहीं है ना, मेरे दोस्त की गाड़ी। इसकी गाड़ी नाम बता दोस्त का। सर दोस्त का नाम है जॉन। ये गाड़ी जॉन की है ही नहीं, पता नहीं सर उसने बोला था कि उसके दोस्त की गाड़ी नहीं है, जरा मुझे जरा ये काम गाड़ी है तो अलग थोड़ा। ही बंदे की, उसका नाम बताओ। रुको गाड़ी है ह्यूग रॉक लिंक, पता नहीं सर उससे ली थी मैंने। आपको चार्ज भरना पड़ेगा कार का चोरी करने का और एक्सीडेंट का। सर मैं बाहर आ सकता हूँ गाड़ी के? सर गाड़ी में बैठी है गाड़ी से मत उतरो। आपका पेपर बोलिए आपका। एक मिनट, 21 आई पुट अ बेसबॉल बैट इन साइड। आपको मैंने इनवॉइस भेजा है देखो, मास्क निकाल दीजिए सर, कार है जैक और मास्क पहने नहीं कटाई है सर मास्क। कार हाईजैक और रेकलेस ड्राइविंग का आपका आपको दिया है मैं। अरे सर उस बंदे को भी मारी ना सर, वो कितने स्पीड से आ हाँ रहा था, बैंक उसको देख लेंगे अब हम, दिखेगी उसकी गाड़ी। में होता है ना, इनवॉइसेस आया सर। ठीक है फिर देखने दो पे किया है क्या, डिक्लेम मारे। 1000 कर रहा हूँ सर, ठीक है ठीक है। पर आगे से मैं गाड़ी अच्छे से चलाना, ठोको मत किधर। अरे सर मैं आगे से जा रहा था बट वो अचानक से आ गया था इसलिए उसको गाड़ी को ठोकता है इसलिए मैं अचानक से लेफ्ट लिया तो इसलिए मैं आ गया। ठीक है ठीक है, लगा दिया सर उसका भी। चलो ठीक है राजू बोलिए। किधर? मेरे को जाना पड़ेगा रे। हाँ जाओ जाओ तुम, समझा मैं। हाँ जर का मारा उसको गलत सलत मार दिया तो लग जाएगा। नहीं रेकलेस ड्राइविंग और इसका लगाया रॉन्ग साइड और वो कार हाईजैक। अच्छा देख के लगाया ना, हाँ कार वाले की बंदे की थी, बताओ नाम बता रहे हो क्या? वाह उसका नाम ह्यूग रोलिंग बोल रहे हैं मेरे दोस्त की, दोस्त का नाम अलग। हाँ देख के लगाया ना पूरा फाइन, नहीं तो भाई ऐसा ना हो जाए कि, तो वो एक तो ऑलरेडी पीडी के सामने बहुत सारे मुश्किलें हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि वो भी आ जाए मुश्किल मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है उसका। ठीक चलो इनके सजा तो मैं ये कौन है भाई? ऑफिसर
sir, can you see me? Yes. Yeah, this is your judge, Mr. Robert. Yes, sir. How may I help you, sir? Raju, Raju. Escort me out. Yeah. Call the 8915 performing code 1+1. नहीं देखो मैं चला था गाड़ी फिर को भी इसको चलो इंजर्ड पर्सन है इधर को क्या हुआ बताओ सामने इंजर्ड पर्सन है कोई तो ईएमएस नहीं है क्या ईएमएस इसको देखता हूँ ए है ईएमएस जाने दो क्या चलना है बताओ चलो अभी क्या हम भी वैसे कुछ नहीं कॉल तो Careful. अरे मिसर लो भाई डाल क्या है के ये लोग कर क्या मालूम शॉन्टी और गोल्डी नहीं आएगा क्या मालूम ड्यूटी पे क्या मालूम नहीं चल हल्का मैं देख रहा हूँ इन्होंने 8-0 डाला है कुछ समझता भी नहीं पहाड़ के ऊपर है स्पॉन्डिंग अच्छा लगता था मुझे is 10:41 10:04 latest 9-1 call is 4-4 2+1 code 1 I'm fine चलो कोई नहीं इधर जाएगा ना राजू अपनी गाड़ी का रडार ऑन है क्या क्या रडार रडार हाँ हाँ ऑन है क्या देखो लाइट्स बंद है
19 भाई। चलो अंदर लो, लोकल तो नहीं है, लेफ्ट साइड में गया, राइट साइड में, राइट साइड में। पार्किंग में गया हुआ ये छोड़। क्या बोले अब, नहीं रुकना है उसको तो। Theater for performing 11 on a yellow colored neon poster. Three occupants at the Legion parking. Unknown, no additional. मार को राजू कैसे हो? बाकी बढ़िया, बाकी सब एकदम बढ़िया। प्रमोशन हो गया तुम्हारे? सब बेस्ट ट्रूपर हूँ। अरे पर पहले तो ट्रेनिंग थे ना। अरे मेरे कुछ नया नहीं, एकदम प्रेशर था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रेशर नहीं लेना, मौज करो मौज, बट ड्यूटी भी मन लगा के करो। कैसे हो सर जी? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। हो जा रहा क्या मेरा तुमको? अरे भाई एकदम बढ़िया आ रहा है। तुम एकदम किर्राक दिख रहे, क्या क्या लगा के घूम रहे तुम चार आर से? अरे वो दिख रहा है क्या आपको? मेरे को नहीं दिख रहा वो। हाँ दिख रहा मेरे को सब। कौन सा गाड़ी है, मस्टंग बिस्टंग है कि क्या? नहीं सर इतना हम हवलदार है, हवलदार क्या बोलते हो राजू? अरे पीछे मेरे को और भी देखो बाय हो गए, अचानक से भाग क्यों गए? अरे एक्स्ट्रास दिख रहे हैं क्या तुम्हें राजू? हाँ मुझे ही नहीं दिख रहा पता। तो आपको नहीं दिखेंगे वो, दिक्कत है कुछ तो। लास्ट टाइम है ना। चलो क्या चल लो ए? उनको किसने पकड़ा था हाउस रोबोट के लिए? प्लीज कम टू रिसेप्शन। आ रही है आवाज राजू? हाँ आ रही है। क्या दिक्कत हो गई? एट फोर प्लस ऑन स्टार्ट द लेटेस्ट 13 कोड टू चलो 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 सेम ट्रैफिक, सेम ट्रैफिक 915 प्लस 1 चलो। अत मेरे को गन और आर्मर पहनो। वैसे वो एसओपी है यार, एक आर्मर पहन के निकलना है। आर्मर की दिक्कत सॉल्व हो गई क्या? कौन सी
वो एक ऊपर एक और एक वेस्ट आता था वो नहीं गया मालूम, देखना पड़ेगा। क्या है भाई, कोई नहीं है यहाँ पे। क्या है राजू, ये कॉल चला के गया लगता है कोई भी। हम कोड 6 है द लास्ट 30। रुको मैं आर्मर पहनता हूं। यू फाउंड एनी बुलेट शेल्स ऑफिसर? डिस्पैच आई एम 10-2 डिस्पैच, जो हाउस रॉबरी में लास्ट सिचुएशन में जो ऑफिसर थे प्लीज रिसेप्शन पे आ जाओ। ये अगर नहीं होगा, वो ऑफिसर नहीं होगा तो डू वन थिंग, उनका फाइन लीव इट, इग्नोर मारो फिर उसको। अगर तुम्हारे पास एविडेंसेस नहीं है सो यू कैन नॉट प्रोसेस हिम। पीड़ी जाना पड़ेगा राजू उसके लिए। उसको बोलो कि वो ऑफिसर कौन था, उसका नाम वगैरह बता दे। 915 लास्ट 13 इज कोड 4। चलो गोइंग 1042। एट ऑफ प्लस 36 90। ऑलरेडी लास्ट हाउस रॉबरी पे हम थे। टंटी रिस्पोंड टू द कम टू रिसेप्शन प्लीज फास्ट, डोंट गिव पैनिक कॉल्स। Then sir, why he need a lawyer if he is Raju sir? बोलिए Raju sir। Yes बोलो बोलो। मेरा NOC का क्या? अरे अरे सम्राट क्यों रहे हो? सम्राट भाग क्यों रहे हो? हेलो सर, क्या हालचाल? हेलो सम्राट सर, क्या चल रहा है? बेसन मत लेके आओ सर, वो हम NOC के लिए आए थे, सम्राट सर अंदर गए भाग के, पता नहीं क्यों गए। वो बोला मेरे को रुकने के लिए और पता नहीं क्या अंदर भाग कैसे गए। अरे आप ही रीजन हो सॉल्टी, मैचर्स कॉल आ गया क्या? दुबई का तो मैंने दे दिया ग्रुप पार्टी का। मेरा क्यों नहीं दे रहे शांति सर आप? किनका? मेरा गरीब सुशील सभ्य संस्कारी लड़की। हां 1.5 लाख दो। 1.5 लाख? हां 1.5 लाख देगा, 150 देगा। बोला 1.5 लाख दो। अरे 1.5 लाख वो एनओसी का। सम्राट सर हैंडल करो। अरे सर सम्राट सर 1.5 लाख ये एनओसी का महंगा हो गया है बहुत, अभी सबका प्राइस बढ़ गया है। सर मैंने नहीं सर, सम्राट सर ऐसा नहीं होता है प्लीज ना। राजू एनओसी का प्राइस कितना है बोल? जितना पैसे बोलेंगे कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ गोल्डी सर, मेरा तो तुम्हारा दे दे हर्ष मेहता, कुछ पैसा भी सभी दे दो, रिश्वत मत लेना इनसे। एक लड़की बोल रही सर आप यार ये करोगे? मैं चाय प्रेमी हूँ, चाय प्रेमी। ठीक है चाय दे दूंगी, चाय बना लूंगी हाथ से, मैंने मेरे पास है ऑलरेडी। हेलो ऑफिसर, ठीक है सर ऐसे कर लो। राजू पाटिल आपका
ऑफिसर गोल्डी सामने से एक लड़की आपको ऑफर दे रही है, प्रमोशन हो गया क्या? कोई नहीं, 5000 हर्षल मेहता आपका अभी छपा नहीं है, ज्यादा से पूछिए सम्राट सर। अरे हर्ष मेहता, हर्ष मेहता, हर्षद नहीं, हर्ष मेहता जी, उनसे बोलिए रे सामने खड़े ना, ये कोपचे में हो गया? हां वही वही, ठीक है ठीक है सर, प्लीज पैसे मत लो सम्राट सर, कैसे हो? जो हालत में आई थे अरे नहीं सर, आइए आइए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, क्या है सर चलाए रहा, देख लीजिए आप जस्ट भी, अंदर जाओ खोलो, किधर है लॉयर? अरे ये ओयो का क्लियर करो जरा, कैन एनीवन रिस्पोंड टू 911? लॉयर जी, लॉयर जी, लॉयर जी, लॉयर जी, मेरा तो दे दीजिए ना सर, बाहर आ जाओ, बार बार 5 मिनट आता हूं मैं सर, मेरे साथ 9 सब कुछ कॉल आया था क्या राजू? एंड दिस इज अ कैप्टन ऑफिसर, हैव अ सीट सर, आओ राजू अपना your one of your trooper is telling you all the stupid nonsense happened recently, have a seat guys, have a seat, thank you sir, just डेट पे आ रहे ना ये हर्ष मेहता, किस रिगार्डिंग था तुम्हारे? पीडीएम जॉब के लिए एनओसी अप्लाई किया था। अरे इनको बोलो एनओसी का मैम कैश नहीं, पैसा नहीं दे रही। अरे गोल्डी सर को पूछो ना, बोल रही है। हां एक पैसे दे दिया। अरे 1000 एरवन का लाइसेंस है क्या? नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, जल्दी करो एरवन लेके जाना पड़ेगा, इतना दूर जी भाई, हो गए बच्चे भाई, आ जाना है, एरवन नहीं है मेरे पास लाइसेंस, कहां जाना है बताओ, चलो माइनिंग। अरे वो एनओसी दे नहीं रहा है मेरे को। तुम डॉक्टर क्या कर रहे हो? वही ना पूछो रेडियो पे, पूछो बिंदास, पूछो रेडियो पे, गोली इमेज अवेलेबल है तो रिस्पोंड करो यार, क्या कर रहे हैं, सो रहे क्या वो? सर वी डोंट रिसीव 911 सर, इट्स 311। वो हेल्प कर रहे हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है। ऑलराइट, व्हाट्स द लोकेशन सर? माइनिंग। पॉइंटिंग का गन वाला कहां से आया? हां इधर पीडी के बारे में, चार्ज फटाक से 104 सभी बोले पीडी के बारे में, यहां पे 104 104 आई लीव द रेडियो स्विच टू 1 गुड डे ऑफिसर, थैंक यू, चलो आ जाओ एयरपोर्ट के पास है, इधर एयरपोर्ट के पास वाला ही है, देख शॉट से नहीं रे, ये कहां पे रह गई बात गोल्डी, व्हाट्स योर 20 कम टू कैप्टन ऑफिस, कम टू कैप्टन ऑफिस, यर 10:13 सिचुएशन इन आउटसाइड पीडी, कम फास्ट, आई नीड पीडी 104 वेट, अप्लाई किया था तो क्या करें सर, ठीक है चलो जाने दो, अरे एलियन मत,
बैठो बैठो सर बैठो कहाँ है क्या है और सच बेडिट 13 बोल रहे हैं क्या सिचुएशन है ये बोलिए बोलिए सर ये इनसे मत करो ये आगे साइलेंट ऑफिसर कम है गन पॉइंट क्यों कर रहे हो कौन गन क्या किया है कौन गन पॉइंट कर रहा है कौन गन पॉइंट कर रहा है वो आपके ऑफिसर गन पॉइंट कर रहा है अरे ये ऑफिसर व्हाइट बाल वाला कौन है बताओ बिना मतलब से कोई कुछ भी उन लोग वो लोग इतना सता रहे हैं उनको झूठी मूठी कंप्लेंट करके गन पॉइंट करना शुरू कर दिया वाह अरे तो गन पॉइंट करने कौन रोकता है भाई सुनो सुनो पहले तो यार उतरो मत गाड़ी से लास्ट तक उतरो मत नहीं उतर रहा आर्मर पहनो साइड में लगा खड़ा करके एरिया क्लियर करो यार बस बस हेलो दो डिमांड है ठीक है नो चेस सबसे पहले नो चेस उसके बाद दूसरा तुमने पिट किया तो नो कोड रे वो हमारी मर्जी हमारी मर्जी ना वो तब कर क्या चल रहा है ओके कर क्या चल रहा है ठीक है जाओ चेस करते हैं शॉन्टी गोल्डी जस्ट क्लियर दे रहे हैं अबे गाड़ी पे मुतेगा तो तेरे को क्या तमीज से बात कर अरे गाड़ी में कौन बैठा है सर जाइए एप्लीकेशन का फीस दी थी ना आप ही बताइए अभी क्या करें आप ही तो अभी सम्राट जी बोल रहे हैं कि 5000 और दो हैं उनको बोलो ना उस दिन मैंने गोल्डी सर को दिया था गोल्डी थम्सन थम्सन कितना सर ओनली थम्सन गिलास और बोलिए सर कितना मांग रहे 5000 कॉल हिम कॉल योर सम्राट गोल्डी बोलो सम्राट को बोलो टी 905 टू सम्राट सर सम्राट सर प्लीज कम टू रिसेप्शन हेलो मैम आई एम मेकिंग एनओसी आपसे मांगा उन्होंने कितने पैसे हां सर मुझसे भी मांगा उन्होंने देओ जी आस्क यू 5000 ही मांगे सर वांट्स टू मीट यू हां भले पहले उन्होंने सुनो 5000 पहले सुनो ना उन्होंने 1.5 लाख मांगे उसके बाद 50 पे आएंगे उसके बाद 5000 पे मैं बोल रहा हूं चलो आस्किंग फॉर द लीगल डॉक्यूमेंट उनको प्राइस शो करने को बोलो एंड अरे मेरे को तो बैंक अकाउंट का नंबर भी भेजा उन्होंने नॉट गेटिंग दिस पॉइंट सर देखो आप थोड़ा सा एक बार वही तो देखिए सर मतलब ये इनका इलीगल तो 1.5 लाख से शुरू किया था एम आई राइट मैम यस सर देखो अगर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ ना तो ये क्या देखो मैं भी था उधर मैं भी था सर ये भी थे आई विटनेस के लिए इधर ही था खड़ा मैं और कौन था और कौन था हम दोनों और वो सर तीनों ही थे हम हु इज द ऑफिसर कॉल हिम अरे सम्राट को बोलो कॉल सम्राट खाना दे दो ना आपके पास आके सर कैन यू सम्राट को बोलो जी वो आ जाएंगे सर आप प्लीज आप अंदर चलिए मैं एरिया क्लियर कर दूं प्लीज गिव मी चांस ओके आप प्लीज आप अंदर रहने दीजिए यहां हां कोई बात नहीं मैं आप और कोई अंदर चलिए आप आइए वजीता जी अंदर वजीता जी एंड जी प्लीज आप अंदर चलिए आ जाइए सर आफ्टर यू आप बैठिए सर इनको लेके आइए अंदर हां जी 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 मैं लेके आता हूं सर इंद्री सर बिजली जी आप मुझे मेल कीजिए अभी तो सिचुएशन चल रहा था ना कुछ तो वो क्लियर हो गया ही वाज द ऑफिसर यू टेल हिम टू कम टू द ऑफिस राजू सर इनका नाम क्या है ये ऑफिसर जो सम्राट सर ये
वो नहीं सम्राट सर आइए अभी अंदर गए वो वजीता अरे राजू मेरे को नहीं मालूम मैं यही लगते हो अरे खाना दो यार मेरा खाना उन्होंने लेके गए खाना दो मेरे को यार यस सर बात भी नहीं सुन रहे कैन यू टेल मी एनओसी के चार्जेस कितने हैं $1000 आपने कितने मांगे $5000 क्यों शी वाज डिमांडिंग कि मुझे अभी के अभी धन्यवाद यार दैट वे सो मैं बोला अभी के अभी चाहिए तो ये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा देन यू विल इंक्रीज द प्राइस ऑफिसर नहीं सी योरसेल्फ He's on the bridge. Mr. Robert. Okay, Mr. Robert. उन्होंने application अभी दिया, right? And she said, अभी क्या अभी चाहिए मेरे को job चाहिए. मैं बोला time procedure है proper. अभी अभी क्या अभी ऐसे नहीं हो सकता. So purposely मैंने price ज़्यादा बोला क्योंकि वो खुद से चले जाए. Okay. Nothing मैं लेने वाला वैसे भी नहीं था. $1.5 lakh. Is it right? वो सर वो देने भी तो नहीं वाले थे ना ऑफ कोर्स नहीं बट इज इट लेट मी टेल यू वन थिंग इफ यू आर मिसयूजिंग योर यूनिफॉर्म्स पावर ठीक है दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस नो नो सर आई एम नॉट मिसयूजिंग बट देयर इज स्पेसिफिक वे टू हैंडल सच पीपल यू नो यू मस्ट बी नोइंग दैट यू इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी बाय लुकिंग एट योर यूनिफॉर्म सो यू शुड नॉट सपोज टू यू नो you should not you know ask for this kind of amount so if yes, you sir. are if you genuinely wanted to you know avoid this thing and you wanted to you know, let them follow the procedure you could have just told them like that we cannot help it we have written your application it will be actually sir actually sir she was standing for 20 minutes and price? saying the same tell me again how much price for 10,000 show me in return yeah kaha pe likha Show me in return. किसके order है वो? सिंबा सर, सिंबा वाले का. Yeah, call him. वो ही सिंबा वाले का. इस कॉलेज पे ऑन ड्यूटी है. No problem. I want the return order, right? Email him. Email me. skullop@gmail.com right now. Okay. What should I email? The price, return, order. Right. Okay. Return order. You are the senior most, na? He is in super first class. Right? He is super first class. Okay. Yeah. जैसे इनके हाथ में डेकल है उससे तो वो उसी पता चल रहा. Yeah. How can he do like this without any orders? And tell that girl who was standing outside. To file a case against this. Okay. सर वो चले गए. No problem. You have her contact na? I'll have to check. I don't think so. I have but show all of them, but you send me. Send me. Should I show? ऑफिसर क्या सर क्या शो कर रहे हैं आपने मुझे क्या भेजा है आपने मुझे कोई लीगल वो नहीं भेजा है आपने मुझे एक पेपर पे लिख के भेजा है मैं जान सकता हूँ वो क्या है अरे सर वो डॉक्यूमेंट्स तो सीनियर के पास रहेंगे ना हमारे पास कैसे रहेंगे सो व्हाट वाज हिज क्वेश्चन वेयर इज योर सीनियर ही इज करंटली ऑफ ड्यूटी सो मेल हिम दैट्स व्हाट आई सेड मेल नो नाउ आस्क हिम टू कम टू माय ऑफिस विद द लीगल डॉक्यूमेंट ओके गेट इट श्योर If he will not come, then you will be suspended and he also, okay? Got sure, it? Sir. Yeah. And I want to know who was that woman, okay? Yeah. I don't know what are these guys doing. Name of that girl. Bijli Garpode. Bijli Garpode, yeah. Yeah. Actually, she was standing and demanding NOC continuously. I was telling her that instant you cannot get it instantly. So I have to मतलब कुछ persons के लिए deal करने के लिए कुछ अलग use करना पड़ता है trick. So I increase the price and that was my just trick. Increasing the price is not a trick at all. No. I was listen, absolutely listen. Not taking that money. No. Listen. You have authority to say no. You know na?
Okay, he was trying to do something good. She was trying to get a job, not doing any. Because of these guys, criminal activities are getting increased in the city. That's the point. Just this kind of behaviors. No, she have any past criminal record? Tell me. She have any past criminal record? Tell me what. This might be because of these guys. House robbery. Store robbery also, sir. She was punished, na? Yep. Now she is free. Okay. Yes. You get it, na? She was punished for the punishment. She get the punishment, na? Yes, she got it. Yeah, then what? Kitni baar unhone NOC ke liye apply kiya, brother? Only once. Job NOC. You can't punish a person for the thing that he done and get punished for that, okay? आप किसी भी उस व्यक्ति को फिर से सजा नहीं दे सकते हो जिसकी उसको सजा मिल चुकी होती है. Okay, but I was not punishing her, right? I am not telling you are punishing her. I was just dealing with her in other way. Okay, sir. Try to understand. Listen. So you are talking to the judge, not your colleague. Okay? Keep this thing in mind. Yeah. And the thing is, when you are, you know, you're saying that. See, that was your perspective. If you're thinking it's okay, that's okay from your side. But from the legal side, it's not okay at all. That due to this case, you might face a corruption charges on you. Are you agree on that? She was also knowing that I was doing fun with her. If I'm not, why did she call a lawyer? So because we are not providing them only say urgently basis, that's why, sir. But I know, sir, I'm there, and it was the fun. And even she asked Officer Samrat to date him, so that was the fun, sir. Okay. The legal documents will be provided to you, sir. No worries. Yeah, what's your name? For sure. My name is Arvind De Silva, Trooper First Class. SSB. Trooper First Class. Yes. Do you have documents? Note his name also. Sorry, sir? Do you have documents? Sir, we will mail you or we will provide you the legal, all the legal documents. Do you have access now? Tell your senior. Listen. No, sir. I don't have any documents right now. Okay. So how can you say, actually, the documents are kept in the locker, but we are not authorized to access the lockers. Mm-hmm. Okay. So I'll just tell you one thing, officer. Yes. Go on, sir. Okay. So if you don't have documents right now, you cannot say what documents will be provided by provided to you. Okay. Sir, you have to convey a message to your seniors. Yeah, just listen to me, sir. My higher command will come to you and provided all the legal documents. That's what I'm saying. He has to come to me now. Yes. So higher authority is not in the city. So whenever they come, and, we will provide you all the legal documents. I would documents, really sir. Really suggest you, officer, whatsoever your name. That's not sir, your Arvind matter Silva. At all. Arvind De Silva. That's not your matter at all. We were talking to Officer Samrat here. Yes, sir, but I was there, so and you're that's not, my duty. His senior next as well. Time, no, next no, sir. Time, I'm only saying that I was there, so I know that there is some. मजाक चल रहा था वहाँ पे तो एक्चुअली बिजली जी ने इनको पूछा था कि वो डेट पे चलेंगे Go. I'll tell you one thing. A bonafide witness will be considered only in case. I want to talk to that officer. That trooper. Yeah, no worries. Stand outside, officer. Wait outside. This is sir. Thank you very much. If you are not having a legal document, then how are you charging a person for that? Yes, we are having, but we are keep leaving that money in a. Alright, sir. इनको बोलो कि higher authority या higher command आके आपको document provide कर देंगे इनको. जाने दो अभी छोड़ो बहस करने को भी मतलब उनको बोलो कि बिजली ने एफआईआर वगैरह कुछ नहीं करवाया किस बेस पे वो पूछताछ कर रहे हैं हमसे उनको एनओसी की प्रोसीजर भी बताओ इंस्टेंटली नहीं होता है 3-4 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पहले तो यही बोलो कि उनके पास कोई
लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि बिजली ने एफआईआर दर्ज करवाई है इस केस के खिलाफ, ऐसे बोलने पे वकील कैसे पूछताछ कर सकते हैं? जरूर रगड़े जाओगे, पहले बता रहा हूँ। रगड़े क्या आपको? सिंपल है भाई, सिंपल एज दैट। एक लॉयर नहीं कर सकता, एक डीओजे इंटरफेयर कर सकता है। वो डीओजे? हाँ। नेवर माइंड। आई राजू सर, सर। अरे बहुत दिमाग है यार। अरे घोड़े उन पे फुला यार, ये क्या है यार? चलो और गोल्डन 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 आ जाओ मेरे मेरे साथ आ जाओ। गोल्डन गाइस सर, योर नेम ऑफिसर उसकी अलग बात है। गाड़ी की डिक्की में कोकेन डालो। मैं निकाल के लाऊं क्या संजी? बोलो अब भी डालता हूँ। ओह मिसयूज मत करो भाई। ऑन इधर जज वगैरह चल के गए क्या? तो मैं तो गाड़ी को बेटर 2+1 कोड 9 5 1+1 टॉर्च है क्या? टॉर्च रुको, ट्रैफिक सुनी सर, लोकल की लोकल से लोकल सर था कोई तो। ओए ओए अबले टार्च बंद कर, टार्च बंद कर, रुको सर्च कर रहे एरिया। टार्च बंद करो तुम, हमारे कैफे के अंदर क्यों टार्च लगा रहे हो? बाहर बाहर गोलियां चली थी। 905 रिस्पोंडेड टू 1090D कैफे में। कॉपी दो ना मेरे को। तो ऑफिसर राजू कुछ बुलेट्स मार मिले? नहीं। ओके ओके सर, सर जी मैं बताऊं किसने मारे गोलियां? बता। ऑफिसर ने। कौन ऑफिसर? पर ऑफिसर का नाम नहीं मालूम। ऑफिसर के बाल थे जरा ये थे, काले काले थे। ऑफिसर की दाढ़ी थी। ऑफिसर ने 03+1 रिस्पोंडिंग टू हाउस स्टोर रोबरी। कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री बाइक प्राइमरी। वन यूनिट कैन गो फॉर
इंटरसेप्टर एज अ स्पीड यूनिट बट आई थिंक सर रॉबर्स हैव द बाइक आई नीड अ बाइक है प्राइमरी लेंगे क्या हां भाई तब पकड़ेंगे इनको ए हाउ मेनी यूनिट्स ऑन 90 सी सर हाउ मेनी यूनिट्स आर 90 सी 2 ओ ऑफिसर गोल्डी विल बी द कमांडिंग ऑफिसर या मतलब उसका फट रहा है ना अभी शायद रोहा सर उठ रहा है जस्ट वेट लिख के कमांड उसके पास खड़े उसके पास खड़े सेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स अराउंड द 90 सी नहीं है सर अरे नहीं कोई नहीं हम थोड़ा सा रिस्पोंड करेंगे आपका वैसे सर आप दो जने हो बाइक यूनिट चाहिए बिल्कुल हम दो हमारे दो आपके दो बाहर हैं नहीं सर दोनों अंदर हैं होस्टेज एक ये रामूलाल और एक ये छोटू लाल आप रामूलाल और वो छोटू लाल नहीं सर होस्टेज एक रामूलाल और दूसरा साहिद सर ऑफिसर शांति विल बी ऑन बाइक यूनिट10-4 सर आपकी एक आवाज़ नहीं आई हमें एक भी कुछ बोल रहे हो तो बिल्कुल नहीं आई नहीं सर मैं बोल नहीं रहा था कुछ काम करने लग जाते हैं बीच में सर वैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपका हो गया क्या सर यार ठीक हो पता सर प्रसन्नता सर अभी हम ठीक खाएंगे सर ये आप भी उठा लो सर ओके ओके हम उठा लेंगे पहले बताइए आपका हो गया सर हमारा कैसे हो जाएगा अभी नहीं हुआ टाइम लगता है कितना टाइम लगता है पहले तब के पिछले खिला रहे सर पहली बार करते हैं जिनकी अच्छा इसको ब्रांड भी अच्छा और नहीं आप अपने को खाली इस पे मतलब वो अगर एक गली में घुसा तो एक यूनिट ही उसके पीछे जाएगी बाकी दो मालूम है ये देखेंगे ट्रैकर फॉलो करेंगे फर्स्ट यूनिट पे अब और स्टेशनरी पिट के लिए जाएंगे ठीक ठीक क्या ट्रैकर लगाया क्या बराबर 2 है ना 2 कैट रूम पीडी 2 है ना ट्रैकर लगाया क्या रेडियो किसका ट्रैकर लगाना है तेरे को रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना बैठा है लेकिन है नहीं 311 करके बुला ना एक तुम वही रेडियो पे देखो कॉल दो वापस स्पीड दे क्या करना है बेटा ये अगर ये आया ये तो वो उसके जो उनका नार चलो सर एक हिंट और देता हूं सर 2 कार्स इन द सिटी आई है ओनली 2 कार्स अच्छा थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेशन और सर अगर मैं इंफॉर्मेशन गलत दे सही दे सर पता नहीं चल रहा हूं सही बोल रहा नहीं बोल रहा वो तो मैं पता करूंगा ना सर दो कार्स हैं अपग्रेड कब कब नहीं है और किस किस के नाम पे हैं
शरीर काँप रहा है। एक बार बता दें, अब आपके ऊपर एमडीटी जरूर बनेगी। एमडीटी बनेगी जी सर, बचाने कैसे हमें? नहीं मैं बता रहा हूँ सर कि अगर आप पकड़े गए तो अब आपके ऊपर एमडीटी जरूर बनेगी। सर अब क्या, अभी क्या सर, अब तो टारगेट कर रहे हो सर आप तो। सर आप इसीलिए कह रहा हूँ, आप कोई जॉब नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सरेंडर करने का लास्ट। अरे जॉब तो मिलती नहीं शहर में, पता नहीं बंदे कहाँ से जॉब लेके बैठ जाते हैं, हमें मिलती नहीं। ना बंदा आता, ना इम्प्लॉय वो आता, मैनेजर आता, ना एम्प्लॉयमेंट देता सर। व्हाट आर देयर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव फॉर डिस्पैच? सर एम्प्लॉयमेंट दे दो तो सर क्या करते हैं, हमने चार बार मेहनत करी है एम्प्लॉयमेंट। आस्क फॉर योर डिमांड सर, सब सी द होस्टेज वेदर इज सेफ और नॉट। Yeah, Mr. PD Director, where do you need me? We need EMS assistance at the 90C. That might be? 10-9? 10-90C, that would be bank, right? It's shop. Would that 20 be? There are basic demands, sir, or they are not done their work. The demand, basic demand, no spike, free passage. EMS, are you still on the radio? Phone, I'm responding. 70, okay, 10-4. Arvind sir, you're 20. Right now at Andreas Avenue. Sir, I send you location. एंकलेट लगा दो क्या? एंकलेट है? एंकलेट नहीं नहीं ट्रैकर ट्रैकर लगाना होता तो मैं हेली बुला लेता रहन दो से भाग नहीं पाती है, ज्यादा हो जाएगा मैं तो। उनसे भी, अरे भाई उनसे पहले नहीं हो रहा और हम सर ट्रायड बताना सर, देखो सही बता दे तेज में है, पॉइंट मत करना, पॉइंट मत करना, पॉइंट मत करना। एमडीटी का याद दिला दे फिर आपको। हां तो सर हम ये कह रहे हैं क्या एमडीटी क्या होता है? फुल फॉर्म होता है मोबाइल डाटा ट्रांसफर। मोबाइल डाटा ट्रांसफर और सर एसजीसी की फुल फॉर्म होता है डोर सेंटर जस्टिस सेंटर।
ओके गोल्डी सर गो फॉर द सीक्वेंस गोल्डी सर डू यू कॉपी सर गो फॉर द सीक्वेंस वेट सर इनकी मैं डिमांड पूछ के मैं तुझे सीक्वेंस बताता हूँ सर डिमांड्स आर ऑलरेडी कंफर्म राइट नो स्पाइक फ्री पैसेज 10 for 7 10 for गिव मी अ 2 मिनट दे आर आस्किंग फॉर हेड स्टार्ट मेल जो भी स्ट्रीम देख रहा है लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब बोल दिया सर उन्होंने आ जाइए बाहर आ जाइए सर यू आर द फर्स्ट प्राइमरी एंड यू आर सपोर्टिव ऑफिसर टेक कॉम्स सेकेंडरी विल अनदर सुपर फर्स्ट क्लास and thirdly is me okay sir I will first secure hostage then I'll chase join the chase attend and EMS is there to retrieve us EMS is there to retrieve us sector guarding sir unko check nahi kar payenge we will be joining the chase EMS is there for hum jayenge baad okay sir 10-4 I am the thirdly EMS will take the hostage what's the demand final demand no spike free passage fuck up हम बस ठीक है दे आर कमिंग आउट वन आजा 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 बी रेडी फॉर चेस फर्स्ट कौन है एटी हैज बीन बेकार इसको ले स्ट्रेट वाह भाई ये भी कर लो तुम वाह भाई पैरामीटर्स कौन निकालेगा भैंस की टांग के कर राइट क्या पैरामीटर्स स्पाई के एनडीसी हैव कम राइट लेफ्ट कॉम्स देने दे रहे अच्छे बेटा माइनस 5 गिर गए लगता है मेरे को ट्राई हार्ड करने का बहुत इच्छा हो रहा है लेफ्ट रैंकलेट लगाना था रैंकलेट फिर मेरे को बोलते सर मैं हेली ले आता जंप डॉग कैम लोग करते हैं ट्राई हार्ड करते हैं अरे रैंकलेट टैंक क्यों भाई क्यों तुम्हारी गाड़ी है तुम क्यों गो 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 चल चल पेज 5 they had a 50 or what nah they lost the visuals chal 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 straight chalo are mat tum kyun dhakka de rahe ho hello raju tum bhaga nahi kaise raha usko gaadi sir kar di uski idhar gaya right side chalo right se left lo gaye ho gayab abhi nahi milenge two courses nearby clothing stores iske liye BMW bike mangta hai re bad decisions BMW bike mangta hai iske liye wo maine pehle bola hua hai apna simba sir ko nahi hota car se nahi hoga bike ko decision bahut gande liye agar ek udhar gaya hai already to dusro do unit ko tum dono ko piche se ghum ke lena tha वही मिस्टेक तुम लोग वही कर रहे हो मिस्टेक ट्रैम्प लेने की कोशिश कर रहे हैं पीछे सेकंड यूनिट ओ ये नहीं निकले उधर के क्या हो पैरामीटर्स पैरामीटर नहीं निकले
कॉल आ रहा है मेरे। एक बार सर अभी तो मैं आपके पास आया था, वो निकले कैसे? तूने बोले नहीं था निकलने के लिए, निकलने के लिए किसने बोला? अरे वो निकल गए भाई, तुझे तुझे जाते हुए देखा और निकल गए, और तू तेरे लिए रुके ही नहीं। क्या बोलता रहे यार, ये भी गए, मर गए, मर गए इधर पीछे, वो रे पीछे 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 भाई मत कर। सीट बेल्ट कौन लगाएगा सर? अरे एक तो इनका कॉल देखो लाइट की दे रहे हैं भाई। ऐसे लग रहा है जैसे बंदी से बात कर रहे हो फोन पे। आवाज नहीं आ रही उनकी। ये कोशिश करो नियर बाय क्लोजिंग स्टोर से यहाँ पे लीव कर दो, लीव कर दो, लीव कर दो, फोन फोन करके नियर बाय कोशिश पर फोन करो। ऑफिसर्स परफॉर्म कोड 6 नियर बाय क्लोथिंग स्टोर्स। जाएंगे तो दूर वाले क्लोथिंग स्टोर पे जाएंगे। देखो जरा दैट्स अ कोड फॉर प्राइमरी। प्राइमरी आपको मैंने लेने को बोली ना सम्राट सर? मैंने बोला भी था प्राइमरी लेने को, मैंने बोला भी प्राइमरी लेने को भाई, मैं लेने वाला था प्राइमरी। हाँ क्या वो उधर उधर ही उनको ही पता क्या हुआ, कौन बोला ही नहीं प्राइमरी सेकेंडरी। पहली बात मैं जब सेट कर रहा हूँ निकलने को कौन बोला भाई? अभी अगली बार से कमांडिंग ऑफिसर मैं ही लेगा। हाँ ठीक है सर, सेकंड टाइम मेरे को पहली के लिए बोल देना अगर बाइक होगी तो। टिम्बर सर से परमिशन है मुझे? तुमने कुछ हिट करने गए ना, वो बाइक वाला तो अपना आया ही नहीं। पहली बात गलत, वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करना था, उन्हें लैग सिचुएशन बुलाना था कि अभी हमने पैरामीटर्स नहीं निकाले थे, हमारे टाइम और यूनिट नहीं सेट किए। बोलो कोड फोर। चलो कोड फोर तो कर कब से बोल दिया सर राजू सर? कोड फ्रॉम आवर साइड 7690। हां क्या कौन चला रहा है भाई गाड़ी? ये राजू भाई टर्न ही नहीं, टर्न ही नहीं ले रही गाड़ी, इनको प्राइमरी चाहिए थी। गाड़ी टर्न ही नहीं ले रही। हां सर आपको प्राइमरी यूनिट चाहिए। आज में कितना मस्त एकदम होल पड़ा है देख, ये देखो गाड़ी गाड़ी देखो टर्न कितना मार रहा, तो भी नहीं ले रही। और राजू तो आपको प्राइमरी चाहिए थी पहले ये बताओ। तब बराबर चला था मैं जितने बार मैंने प्राइमरी लिया इतने बार पकड़ा है वो सब लोग। ऑल यूनिट 76 to 19 हैव वांट टू हैव अ वर्ड विद यू। जिसको प्राइमरी बोला जाए वो ले ना तो बेटर रहता है। वो जो अपने फर्स्ट क्लास ऊपर थे उनकी सही चल रहा था सब, तो उन्होंने बोला नहीं मैं सेकेंडरी लूंगा भाई। दिक्कत तो वही करेंगे। अगर मेरे जैसा होगा ना साला बोलेगा कि पहले किस क्यों पकड़ रहे हो ये बताओ। Thank you.
मैकेनिक से करेंगे गाड़ी ठीक। चल चल घर चल घर चल अपना राजू ये भी सही है। मैंने 76 बुलाया था तो तू और टाइम पास कर। राजू राजू जिंदा ले जाओ बस यार इसको वाले को तो भाई ये भी सही है। बराबर नहीं ऐसा मुंडी ऊपर की ऐसा क्यों लगा मेरे को डर गया। हाथ के ऊपर कर रहे हो इसमें से मत भाग रखवा देना मैकेनिक शॉप छोड़ सकते हो। चलो 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 बैठ बैठ गाड़ी रिपेयर करना पड़ेगा। अरे तुमको चलो नहीं बोला ए राजू हेलो छोड़ मतलब मैं नहीं स्ट्राइक पड़ रही भाई इसको मैं जा रहा भाग। बैठो 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 तुम बोलो चलो तुम अरे वो बोले चलो मींस की पीढ़ी चलो मैं से मन पीढ़ बैठो बैठो राज तुमको मैकेनिक शॉप जाना है तो वैसे भी जा सकते हो बैठो डालो अंडर डालो बैठो कौन है ये राजू जाओ तुम मैं आया ट्रेनिंग रूम है सर एडिटिंग रूम ट्रेनिंग रूम बेटर है क्या बोलते बस इतने और एक ऑफिसर 20 वेयर आर यू आर आर एक जगह पे रहना कुर्सी में बैठने का सोचा वो नहीं बैठ रहा है नहीं बैठ पाओगे तो खड़े रहो ना कुर्सी पे हाथ रख लो ना मेरी तरह कैसे हो मैं बोल रहा है लीन बार 3 हां आगे सोचो जरा लीन बार 3 बस इतने यूनिट से यस यस सर ओके अब एक एक को मैं पूछूंगा ओके तो उसका आंसर करना है शॉन्टी तुम्हें क्या लगा ये 90C में गलत क्या हुआ बोलो वी नीड सर बाइक यूनिट गलत क्या हुआ वो मत बोलो कुछ क्या हुआ कुछ ऑब्जर्व किया तुमने कुछ गलत हुआ कॉल्स ओके कॉल्स प्रॉपर नहीं आ रहे थे मतलब ओके राजू सर आपने कुछ नोटिस किया मैंने तो वो पहली गाड़ी उड़ी थी उधर एक ही गाड़ी उड़ाने मांगती थी उसके पीछे वो टक्कर दिया तो पलटी हो गया आगे दो दो गाड़ी घुसी उधर अरविंद सर
फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमांडिंग ऑफिसर या जो नेगोशिएटिंग ऑफिसर था उसने डिस्पैच पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की एट द वन गो. पहले तो पूछना चाहिए, मतलब डिस्पैच को बताना चाहिए कितने रॉबर्स है, कितना हॉस्टेज है, हॉस्टेज को कुछ मतलब सेफली है या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन. सेकेंड थिंग उनका पहले ही बता दिया. सो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्पैच को दोगे वो एट अ वन टाइम देना है आपको. ये नहीं कि उनके पास अभी बाइक यूनिट है फिर थोड़ी देर बाद बताओगे कि अभी उनकी ये डिमांड है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी गलत हो गई. सो डिस्पैच को इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हुए थे. गोल्डी सर, सर जब एक यूनिट जब रिस्पोंड करती है 90C पे, जो फर्स्ट यूनिट होती है वो पहुंचते ही एसके व्हीकल की डिटेल्स देती है कि वो बाइक यूनिट है, कार यूनिट है, कौन सी स्पीड व्हीकल है. तो इसलिए पहले जब हम पहुंचे सबसे पहले तो हमने बता दिया, इन्फॉर्म दे दिया डिस्पैच को कि इट इज़ अ बाइक यूनिट. और सेकेंडरी थिंग कि वो रोबर्स से इंफॉर्मेशन लेना कि वहाँ पे दो रोबर्स हैं और एविडेंस में बोला गया कि डाल दो, अगर ऑफिसर्स ने चेक नहीं किया तो वो चेक कर लें. कि मैंने एविडेंस में सबसे पहले ही वो चीज़ डाल दी कि वो दो रोबर्स हैं. और दूसरी चीज़ सर, वहाँ पे जब मैंने यूनिट्स को सेट किया था, फर्स्ट आप लोग सेकेंडरी हमारे जो क्लास है, मुझे उनका नेम नहीं अभी मालूम, तो वो और जब मैं आपकी ओर आ रहा था जस्ट आपको पता होगा कि वो रोबर्स निकल गए, भाग गए. और तब मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि मेरी यूनिट शॉन्टी सर के पास जा रहा था और डॉक्टर को कॉल देता, देन उन्हें बोलता और वो निकल गए. शॉन्टी लीव हिम, शॉन्टी लीव हिम, ज्यादा इधर आता वो, छोड़ो. तो ओके सर, आपको कुछ बोलना है? तो बोलना है बहुत कुछ. बोलो. देखो अभी रेडियो चैटर बहुत ज्यादा ये हो रहा है, वो तो सबसे मेन प्रॉब्लम. ठीक है, रेडियो चैटर एकदम कम करो, कॉल्स दिए कॉल्स पे बात करो. हैं 911 क्या? चलो जा, स्टोर रॉबरी. हाँ ठीक, वो ठीक है, वो उसको जाने दो. उसके बाद लास्ट पूरा सेशन हो बराबर, तो उसमें लास्ट कौन क्या ले, ये जो भी यूनिट्स थी जो आ रही थी उसने ना तो पूरा प्राइमरी रेड सेकेंडरी रेड ऐसे आने दिया उसको बाहर, ना कॉम्स पे कुछ ये आया कि बाहर आ रहे बैठ रहे, कुछ नहीं था. फिर जंप के पीछे मेरे साथ जो भी गाड़ी में था वो जंप करने का गरज नहीं था, वो जंप कर रहे आने दो, इतना ट्रायड नहीं ना बोला जाता अभी भी ट्रायड करने को. ठीक है, जंप कर. ओके मैं बोल देता हूँ गलती क्या हुई. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमांडिंग ऑफिसर था उससे गलती हुई कि उसने कॉल एक स्ट्रेच में नहीं दिए, मतलब प्रॉपर किसी को मतलब समझे नहीं कॉल्स क्या थे कमांडिंग ऑफिसर के. सेकेंड थिंग हमने जो ये लगा पैरामीटर्स वो निकाली ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है अपनी. ओके उस पर हम पर केस भी हो सकता है किसी ये जज ने वगैरह या इसने लॉयर ने देख लिया. तो थर्ड थिंग, जब चेस चालू था तब जब उसने रैंप लिया बाइक ने, आपको पता है कि हम कार्स में आपको हमको डिसएडवांटेज है और वो बाइक में है. अगर एक ने उसने रैंप लिया है तो एक यूनिट ही खाली रैंप में जाएगी, तो बाकी के यूनिट सेकेंडरी टर्शियरी क्यों ट्राई कर रहे थे रैंप लेने का, उनको घूम के जाना चाहिए था. जरा मतलब दिमाग लगाओ गाइस. ओके दे आर इन एडवांटेज. यस सुनो, गाड़ी रैंप करना ये तो भाई कुछ सेंस नहीं बनते. गाड़ी रैंप करेंगे तो गाड़ी का तो कचरा कबाड़ा. अगर आपने देखा है वो फर्स्ट प्राइमरी यूनिट ने ये किया रैंप लिया और वो पलटी हो गई, तो फिर भी आपको क्यों रैंप लेना है, घूम के जाओ सीधा. क्लियर रैंप लेने नहीं, प्राइमरी को गलती हुई वहां पे. ओके गाइस ये गलती हुई, वी विल बी रिस्पोंडिंग टू लेटेस्ट 96, लेट्स गो. अंडरस्टैंड इनका ए बस ओए ओए ज्यादा इधर रहते ना इसके हाथ. जाओ 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 और गाड़ी लेके जाओ. चलो 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 चलो.
रुको रुको मैं चला था गाड़ी अच्छी निकाल अच्छी यूनिट निकाल आ, ये निकालते अपन वो ताहो ताहो बैठ 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 बैठो 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 एक किसी के पास फैजल खान का नंबर है क्या ओके ए अलग अलग यूनिट अरविंद है क्या अरविंद गया ओ गए गए अरविंद गए अरविंद गया अरे यार ये इसका क्या सीन ये गाड़ी अलाउड है ना आपको शायद अलाउड है कंट्रोल है क्या बाकी देखो कितने 915 रिस्पोंडिंग लेटेस्ट 90 डीसी देयर इज एन एक्टिव 90 सी गोइंग मार्क करो किधर है इधर इधर भक्ति के देखने तो पहले पहले बहुत भक्ति थी 905 परफॉर्मिंग 1093 41 क्या 41 तो 420 के अंदर लेटेस्ट 93 मिस्टर गोल्डी यू नीड टू गो थ्रू कॉल्स वंस आई डिड कॉल 41 क्या कॉल दिया उसने हां द एस्केप व्हीकल इज अ फोर डोर कार ब्लू कलर उतरो 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 मेरे डॉज चार्जर लेके आ दो अच्छी चल स्पीड में है उसको पर सॉरी सारो ने ये ली भाई असली क्या पागल हां वही मैं डॉज लगा रहा हूं तुम ना सर हेलो आई एम 102 10-4 Shanti will be the commanding officer for the latest things. Officer Goldie, you will be retrieving hostage. Echo. I'm ready, sir. Try and manage.
गोल्ड डिवाइड हमारा ये लगा देता हूं एक्स्ट्रा। ठीक है आप इस यूनिट में जा रहे हो ना? एक्स्ट्रा ही नहीं वा, नहीं 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 तो एक्स्ट्रा दे कर मैं इस यूनिट में जा रहा हूं। आप ड्राइव करके आए कि एज अ को पैसेंजर? वन होस्टेज और टू रोवर एंकर लगाओगे एंकलेट तो मैं पहले रेडी का पूछूंगा आप लोग रेडी हो कि नहीं ठीक है हां ओके देन ही उन्हें बाहर आने दूंगा। श्योर श्योर सम्राट सर कर दो नेगोशिएशन एंकलेट लगा दें एंकलेट क्या क्या एंकलेट है क्या तुम पे आपने को अलाउड है एंकलेट जाना लगा उधर जाके डायरेक्ट डायरेक्ट लगता है दो ना एंकलेट गाड़ी के सामने जाओ गाड़ी के इधर जाओ एंकलेट लगा दो ट्रैकर अरे वो पर इंसान को लगता है ना वो ना वो क्या इंसान उधर ही मत कर रहा मत कर लगाओ ट्रैकर ऑफिसर ओके जी जी और मेरी तीसरी डिमांड है जो ऑफिसर नेगोशिएट कर रहा शांटी गोल्डी सर बैकअप हो जाओ ओ देखो सर चुपके से जो रॉबर्स है उनके पैर पे एंकलेट लगा दे एंकलेट एंकलेट के बारे में सोच पिछली बार भी मना किया था राजू मत करो तब नहीं था तब नहीं था आप भी आए नया है मत करो मत करो मतलब नहीं यूज कब करने का नहीं क्या Okay, we will be the primary. Hostage in a take-up position. Demanding free spaces or no spike. Okay, Shanti, get in your car. Yubi car is one. 10. And you will be the secondary. Now, Goldie, it's on you, okay? 10-4, sir. You set your vehicle, sir. Units. No, wait, wait. I will be the primary, secondary, Shanti. 10-4, sir. Are you ready, sir? Wait, 10-10. Wait, 10-10. Ko gaadi bhi nahi malum kaun si hai. Sir, it's a... Officer Shanti, are you ready? Yes. Okay, so Goldie sir, we are ready. You can call them out. Abhi main try hard kar. अभी देखो नहीं इनको जाने नहीं दूंगा आफ्टर सिक्योरिंग होस्टेज यू कैन जॉइन द चेस पहुंचो रुक शाउटिंग करो शाउटिंग ओनली प्राइमरी विल टर्न ऑन द कोर्ट्स रेस्ट ऑल यूनिट्स टर्न ऑफ द कोर्ट्स रुक रे नहीं होगा तेरे से रुक राइट हेडिंग स्ट्रेट ऑन द रॉक पॉट राइट कॉल कॉम्स दो अरे राइट टुवर्ड्स हॉली कवेन्यू left off road back on road right bhai nahi hoga chhod de nahi hoga tumse chhod do cutting down surrender kar de bhai surrender kar de cutting straight on the alta street are surrender kar do na are surrender kar do na jaise pale hum darte hain मैं भी ये मारा बुंता वाला सुकर राइट टू द पावर स्ट्रीट गाड़ी भक्ति नहीं वो मेरे को मालूम है उतनी भक्ति है गाड़ी आई एम गोइंग फॉर इट इज ऑन द टायर
Daddy. The left. Again enter the alley. Stationary block if they enter the alley again. Hey, suna ta haro to balas ni pehla sa ganda. Off street. The left on the Alta street. Took a right. The vehicle following us to the parking. T905 76 to 19 plus 15. 15? बोलो उनको गाड़ी रुकने दे टायर फोड़ देंगे. बोल दो. आगे ले आगे ले. अरे गाड़ी रोक टायर फोड़ देंगे नहीं तो. 60141. There is an active 80 going on. अरे क्या कर रहे हो? 20 at the construction site. Construction. They're climbing up. जाओ एक गाड़ी. एक गाड़ी उधर रहो. अभी इधर से जंप मारेंगे देख. God of the build. अभी इधर से जंप मारेंगे वो. अब मालूम है मेरे को. नहीं नहीं इधर से. इधर से जंप मारेंगे देखो ना तुम. ये देख. शेडी लोग देख. लोग 30. व्हीकल क्या है उनकी लोकल का. ऊपर जा स्टील गियर. गोइंग नाउ. ए लीव कर सिचुएशन चल. ए हेलो गाइस हेलो एरिया क्लियर करो. दिखा दिखा दिखा. इट्स अ पीक ऑफ ग्रीन. दिखा मेरे को. शॉर्ट फायर. आर यू ओके? इधर गए किधर पे वो? एनी विजुअल्स? अरे क्या कर रहे थे ऑफिसर से? डिस्क्रिप्शन क्या था? कौन से कलर की थी? पीक ऑफ ग्रीन व्हीकल. ऑफिसर आपको कॉल देना चाहिए था ना बिल्डिंग से उतरने के बाद. कॉल ही नहीं दिया उन्होंने. क्या भाई मेरा टेजर का भी जा रहा है उनको 71. या वी आर लॉस्ट द विजुअल्स करंटली. पैसा गंदा करोगे. टेजर का भी जा रहा है. नहीं गलत किया मालूम है. मैं देखूंगी इधर. मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ. इधर. हाँ इधर साइड में फेंक दी गली में. बस बस रुक रुक. बोलो बोलो. गुरु स्टोर के बाजू वाले बिल्डिंग है उसके छत पे. फुट 4 है क्या? ये विजुअल्स ऑन वन ऑफ द व्हीकल वर्क्स. किधर 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 किधर
ब्रू स्टोर के बाजू, ब्रू स्टोर मालूम है ना किधर है, खाना लेते हैं ब्रू वाला मेन, वो नहीं ब्रू स्ट्रीट वाला नहीं, कपड़े चेंज करते उसके सामने देखेंगे देखता हूँ। हाँ उसके बाजू वाले बिल्डिंग के छत पे ठीक है, जा 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 जल्दी जा। It is 905 Panduranga, who is a hostage. He has a illegal weapon with him. He is now in cells. Okay, I'm going 10-7 for 10 minutes guys. The last location for the robbers was near the washing center. Green color clothing. And they were calling themselves GSF, say GSF. Dispatch, it's Goldie to Chulbul sir. Chulbul sir, can you please come to cells? 10-4-76. बोलो बोलो राजू पाटिल जी, मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरे को बचाओ। इधर मेरा दोस्त एक एक इधर से कूद गया, मतलब वो गाड़ी से गलती से गिर गया और वो वहीं पे मर गया। इधर और मैं यहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ उसको बचाने। इधर हो तो आप मेरे को लेने को वो जो वाइनगुड का सर्कल है ना, वाइनगुड बाउल जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे आ जाओ। मैं बहुत गंभीर अवस्था में हूँ, मेरे को चलने को भी नहीं हो रहा है। Can you help me? ठीक है आ रहा हूँ। 915 responding latest 911 आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जाओ आ जाओ, मेरे को help चाहिए, मेरे को चलने को नहीं हो रहा है। Please help me sir, help us तो मैं है तो। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिमी है। इधर तुम सर, बहुत गंभीर अवस्था। वाइनवुड बॉल, वाइनवुड का जो ये होता है ना वो स्टेज रहता है और वहाँ पे बैठने को बहुत सारे सीट्स है, वही इधर ही उतर दिया हूँ सर, दिख नहीं रहा है कुछ मेरे को, ब्लर ब्लर। Thank you.
बैठो। मेरा दोस्त वहां से गिर गया, वो सामने वाले पहाड़ से मेरी गाड़ी के ऊपर है वो उधर। बचाओ मेरे दोस्त शिनचैन को। शिनचैन नाम है मेरे दोस्त का, बच्चा है बेचारा गिर गया गाड़ी से। जल्दी चलो, दिख नहीं रहा है, इमरजेंसी है। आप बहुत अच्छे ऑफिसर हो, आप कमिश्नर बन जाओ सिटी के। राजू कमिश्नर आएगा? नहीं मत बनो, मत बनो, अच्छी ड्राइविंग नहीं है। अरे चिल्लाना बंद कर। अरे ये कौन है और एक तुम भी हो क्या? कौन हो तुम? कोई तो हो, इंसान हो, मरने वाला हो। मेरे भाई मैं गिर गया पहाड़ से, टांग टूट गई मेरी, मेरे को गाड़ी उड़ा के चली गई, हाथ पैर टूट गए। डॉक्टर Officer who is handling the FIR number 41. Sir Raju. Officer, whoever are not in situation, 99 at briefing room. Confirm. आपने हमारे पीडी की गाड़ी को टक्कर मारी थी। मैं रुका था, मैं वहाँ पे रुका था साइड पर। सर आप पर्पसफुली आपने चीज किया पूरा पिलबॉक्स वाले रास्ते से लेके वो पीडीएम के सामने वाले रास्ते तक। सुनिए सुनिए, ब्रीफिंग रूम का सर, सर सर सुनिए, मैं रुका था, बताया क्या आपके कॉप ने बोला मुझे कि एरिया क्लियर करो। बोलिए सर जी, शांति का है वो इन्वेस्टिगेशन रूम में, वो गाड़ी ने पिट किया था ना हमको सिचुएशन में। सम्राट सम्राट 10-7 ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ यार, यार ये बहुत दिक्कत दे रहा है लाइसेंस का। लोगों को जेन्युइनली लाइसेंस चाहिए, उनको तो देना चाहिए अपने लाइसेंस। सर जो केसेस हुए हैं ना जेन्युइन, उन केसेस पे इन्वेस्टिगेशन
अरे 41 वाले है ना सर, एक मिनट राजू लेट मी कंप्लीट। उनकी जो पहली एफआईआर है वो खोखा सिंह और पांडुरंगा की है, उसमें कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और उसके रिगार्ड, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में सर हमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड नहीं हुई, तो वो इन्वेस्टिगेशन में हम आगे कुछ काम कर ही नहीं अभी पाए। कल सुनो, कल अपनी लॉयर के साथ मीटिंग है कल जी 8 बजे, ठीक है, लॉयर और उनके साथ, तो कल अपन उस पे ये करेंगे सब चीजें, वो बोलेंगे लॉयर के सामने, इधर उधर की बातें नहीं करना, यही बात करना कि अगर हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वारंट निकालना है, तो लॉयर हमेशा अवेलेबल रहेंगे क्या? वो थोड़ा पकाएंगे लॉयर वाले, पर वो काम में फंसाते हैं कि आप अपना काम कीजिए फिर हम अपना काम करेंगे। ट्विटर का है एनपीडी हाई कमांड इज अवेलेबल प्लीज द मिनट वेटिंग टू सेम 3 आवर्स एनपीडी हाई कमांड इज अवेलेबल रफ्तार सिंह वेटिंग फॉर सिंस 3 आवर्स कौन है ये, किसके लिए? रफ्तार सिंह कौन है? बुलाओ बुलाओ रफ्तार सिंह। जैसे तुम लोग क्या कर रहे हो, बुलाओ इसको अंदर, बुलाओ, कहां है पूछो इसको, एनपीडी में नहीं है, 3 घंटे कहाँ रुका है ये? उसको भी पूछा उसको कहाँ पे वो 3 घंटे का, हमको सपना थोड़ी आएगा तुम कहाँ रुके हो 3 घंटे। वही सर, कहाँ है 3 घंटे ये क्या? सर आप रुके हो क्या 3 घंटे से? सर जी सर, आई एम वेटिंग फॉर सिंस लाइक 1 month फॉर द इंटरव्यू, पीडी इंटरव्यू। यस सर, आ जाइए। ओके, हां कांटेक्ट किया, इतना क्यों मगज मारी किया? एकदम से तगड़ा लो ये, मेल पे कांटेक्ट कर लेते। डॉक्यूमेंट्स सर? यस, बैग बैग में क्या है तुम्हारे? हां डॉक्यूमेंट्स है सर, इनको दे दो। ओके Yes, what is your name? Sir Raftar Singh. आपके बारे में और बताइए जरा। Liberty City में था sir, and वहाँ पे मैंने as a cop serve किया था Liberty City को, but unfortunately some active shootouts मेरे chest में गोली लग गई थी, so doctor told me to rest. अच्छा। So मैं rest पे था sir 6 months, and now my mother is shift to Los Santos. अच्छा। So yeah. आजा। आपने बुलाया था सर? हाँ इधर ही खड़े रहो, गया फ्री हो ना तुम? हाँ हाँ, तो बोलिए सर, व्हाट वाज योर रैंक? आई वाज सर्विंग एज अ कैप्टन इन द लिबर्टी सिटी। ओह वेरी गुड, यप। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन? Are you asking about the what duties I have to perform while? नहीं, what experience, what situations you have handled as a captain, how you handle your team? We have told that you have to perform a maximum traffic stop and felony stops and breaching and multiple what operating procedures. What is according to you is felony stop? Felony stop sir, basically hamara felony stop ye iski awaaz aa rahi hai. Shanti dheere, Shanti sab log jo bhi PD mein whisper pe baat kijiye. पांडे सर, कैन वी टॉक? कैप्टन ऑफिस में आ जाओ, उसको छोड़ के आओ, इंटरव्यू चल रहा है, उसको छोड़ के आओ, इसको किधर लेके आ रहे हो? सर इंटरव्यू है। हाँ ओके सर, बोलिए। ओके रुकिए सर, आप बैठिए बैठिए यहाँ पर बैठिए। गो एड। ओके सो सर, फेलिनी स्टॉप बेसिकली वो होता है जब इसको हम कोड 5 बोलते हैं एज इन एसएसपी, ठीक है, इसका कोड वर्ड होता है जब हम डिस्पैच पे कॉल देते हैं, और ये तब होता है सर जब कोई हम किसी को पुल ओवर करते हैं या ट्रैफिक स्टॉप जब करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्रिमिनल है या इस पर कुछ एक्टिव वारंट्स हैं, सो या फिर इसने कुछ वायलेंट क्राइम किया, सो ये कैन बी अ फेलनी स्टॉप। एंड जो इसको हम कभी भी फेलनी स्टॉप जो हम अकेले कभी परफॉर्म नहीं करते एज इट्स डेंजरस, क्योंकि जो सामने वाला है वो क्रिमिनल हो सकता है, मतलब वायलेंट क्राइम किया है तभी जाके फेलनी स्टॉप कहलाता है वो। और जब हम जब इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताओ सर, लाइक हाउ डू वी ऑपरेट? यस
या ओके सो बेसिकली हम थ्री यूनिट्स होना जरूरी है फेलिन स्टॉप में, कभी हम एक सेकंड फेलिन स्टॉप कभी अकेला नहीं करते हैं। किसके आवाज? हाँ सो और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। लाइक हम सपोज मैं कर रहा हूँ पहले में और मैं ट्रैफिक स्टॉप अगर कर किया हो, मैंने वो बंदे ने अगर क्राइम किया ट्रैफिक स्टॉप परफॉर्म किया हो, उसको मैं बोलूंगा एंड फिर उसने मास्क उतारने कहता हूँ मैं एंड लाइक उसने अपना देखता है, सपोज आप हो इट्स चुलबुल पांडे सो आप पे वारंट है मुझे पता है, तो मैं लाइक आप पे कैजुअली बात करूंगा अंटिल एंड मेरा 70 टायर जाने दैट इज योर बैकअप लाइक वहाँ पे उनको ऐसे कैजुअली बातें करूंगा जैसे मेरा बैकअप आता है सो दैट वी दरवाजा खोल के जो प्राइमरी गाड़ी का दरवाजा होता है वो खोल के उसके पीछे कवर लेके उस पर पॉइंट करना एंड उनको बस बोलना कि बाहर निकल जाइए एज ही इज अ क्रिमिनल और सस्पेक्ट द वायलेंट क्राइम्स ही हैज परफॉर्म। अच्छा आपको डिटेन कैसे करते हो लोगों को, डिटेन क्यों करते हैं? बेसिकली सर जब लियो को जब लगता है कि जो हम लियो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है ना, जब हमें लगता है कि सस्पिशियस है हम ये दूर, जैसे मैं हूँ जो हमारा एक टर्म होता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मल अरेस्ट नहीं होता है। सपोज मैं आपको डिटेन करते कोई फॉर्मल अरेस्ट वगैरह नहीं है, बस हमको आपको देखना है कि आप क्यों जो डेंजरस है एंड उसमें भी दो कंडीशन होती है सर, इफ सपोज आप हो एंड मैं आप पे आपको एग्जांपल लगे कोई इशू तो नहीं ना सर? ना बोलिए बोलिए लगाओ लगाओ। ओके सो बेसिकली सपोज आप हो, ठीक है, उसमें दो कंडीशन आती है, या तो कोई कोऑपरेट करने वाला होगा या कोई नॉन कोऑपरेट होगा। तो जो कोऑपरेट करता है तो हम उसको कफ वगैरह या फिर फिजिकली टच नहीं कर सकते एज वो कोऑपरेट कर रहा है, उनको बस कैजुअली पूछ रहे हैं हम, एंड इफ कोई नॉन कोऑपरेट करता है तो हम उसे कफ कर सकते हैं। सो फर्दर डिटेन की प्रोसेस होती है वो हम कर सकते हैं, लेकिन मिरेंडा राइट्स हम नहीं सुना सकते इसमें, मतलब लाइक हम अरेस्ट नहीं कर रहे। पर अगर पीडी में ला रहे हो उसको कैसे लेके आओगे डिटेन वाले को पीडी में? लाइक मैं बताया ना सर, लाइक इफ कफ कर रहे हैं अगर वो कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेशन वाली सिचुएशन है, कॉर्पोरेट करता है इस वेलन गुड, अगर नहीं करता है तो वी हैव टू कफ हिम। बट हम जब मिरिंडा राइट्स तभी पढ़ाते हैं ना सर, लाइक जब हम उनको जेल में भेजते हैं। तो अभी अगर उसको पीडी में लाओगे तो उसको सर्च करोगे कि नहीं? ऑब्वियसली सर्च करूंगा ना सर, लाइक। और अगर सर्च में उसके पास गन निकली तो? I will ask for this firearm license, जो भी आपका issue होता है। और उसने मना कर दिया search करने से तो? Like, sir, उसको हम detained कर रहे हैं ना, so like उसको हम casually दो तीन बार पूछेंगे, but if नहीं, so हम pat down करके हम उसके जेब check ये करेंगे। मना कर रहे हैं ना आप, अगर उसको किस चीज़ के लिए बोलते हैं मेरे को मत हाथ लगा, I'm not comfortable, फिर? नहीं बट सर लाइक उसके पास कुछ ये भी तो हो सकता है ना, लाइक डेंजरस, क्यों पीडी में किसी ऑफिसर को गन पॉइंट कर दिया उसने या कुछ कर दिया, ऐसे भी सिचुएशंस हो जाती है। तो मुझे पैट डाउन करते सर पीछे से आके, जो हमें एक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है एंड लाइक वो तो काफी रहता है, सो एक तो मानता नहीं बातें। अच्छा जी सो मुझे एक बात बताओ, प्रायोरिटी कॉल्स बताओ पांच। प्रायोरिटी कॉल बेसिकली हमारा या फिर कोई हॉस्टेज सिचुएशन होती है क्या? जो हॉस्टेज सिचुएशन होती है दैट इज योर 72, ठीक है, वो एक प्रायोरिटी कॉल होता है। नहीं, पांच टॉप पांच प्रायोरिटी कॉल्स बताओ, आपके सबसे कौन से पांच प्रायोरिटी कॉल से इंपॉर्टेंट, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट पांच बताइए। ओके सो बेसिकली 78 99, ठीक है, जितने भी 90 एबीसी सिचुएशंस होती है वो, ठीक है, एंड लाइक कोई इंजर्ड पर्सन है या कोई इंजर्ड ऑफिसर है 47 वो होती है सर, एंड 13 शॉट्स जो होते हैं। इंजर्ड ऑफिसर होता है वो आएगा 42 आएगा। इंजर्ड ऑफिसर का क्या है? इंजर्ड ऑफिसर का 47 है लाइक। आर यू श्योर? यप। बताइए, एक जगह बैंक रॉबरी हो रही है
okay. और एक जगह ज्वेलरी रॉबरी हुई, आप किस पे रिस्पोंड करोगे? बेसिकली सर लाइक यूनिट्स कुछ इस पे कंडीशंस है कि यूनिट्स कितनी रहनी चाहिए एंड ऑल सर कंडीशन है क्या कुछ यहाँ पे यूनिट्स कितनी रहेंगे? आप देखो मैं सिचुएशन देता हूँ, आप पीडी में हो, आपके साथ पांच और ऑफिसर है ठीक है, और बैंक रॉबरी और ज्वेलरी रॉबरी दोनों ट्रिगर हो गए, तो पहले कहाँ रिस्पोंड करोगे आप? फर्स्ट आई विल रिस्पोंड टू द बैंक रॉबरी, बिकॉज़ बैंक रॉबरी जो है लाइक उसमें 72 सिचुएशन और लोगों का पैसा भी सा रहता है, एंड ज्वेलरी में भी तो 72 सिचुएशन है लाइक बोथ द लाइक मेरे जो बाकी कलीग्स हैं मैं उनको बोलूंगा ना लाइक जो भी मेरे बाद होती है। आप क्या करोगे वो टाइम, मेरे को सिचुएशन बताइए पूरी, क्या करोगे आप? लाइक आई हैव मैं पहले कॉल दूंगा कि रॉबरी का जो भी हो रहा है सिचुएशन। आहा गो अहेड। अब इसके बाद आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? आ रही है। अच्छा अरे हेलो 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 हाँ सर तुम्हारी आवाज चली गई थी। आई एम रियली सॉरी मेरा वो थोड़ा समझ रहे हो ना वो बढ़ गया। लाइक जो मैं खा पे था सर लाइक आपने रॉबरी का पूछे थे ना? ओके सो जो भी मेरा सीन रहेगा लाइक रॉबरी का ठीक है, मैं अपना कॉल साइन बोलूंगा जो भी आप मुझे अलॉट करते हैं ठीक है, आप एक कॉल साइन अलॉट कर दो उस हिसाब से मैं आपको कॉल साइन पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। हाँ बोलो। जो भी कॉल्स रहेगा ठीक है, जैसे फॉर सपोज लेट्स से कि मेरा 701 है ठीक है, द 701 रिस्पोंड टू द लेटेस्ट 1090 भी आपका कॉल रहता है, जैसे आप सपोज बैंक रॉबरी होती है तो उसका 1090A होता है ठीक है, अदर 701 रिस्पोंड टू द लेटेस्ट 1090A विद कोड 3 ठीक है, एंड जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ सर सो मैं लाइक अकेले कभी नहीं जाऊँगा वहाँ पे ठीक है, जब तक मेरा बैकअप नहीं आता 78 नहीं आता, एंड इफ मैं देख बैकअप आ गया सो मैं वहाँ पे आके जाके खड़ा हो जाऊँगा मतलब गाड़ी से थोड़ा दूर, एंड आई विल कन्फर्म फर्स्ट कि वहाँ पे हॉस्टेज सिचुएशन है क्या नहीं, 72 सिचुएशन है क्या नहीं, इफ आई मतलब मैं अपने आग से देख लिया कि हॉस्टेज सिचुएशन देन आई विल गिव अ कॉल, देन इफ आई एम द नेगोशिएटिंग ऑफिसर आई विल रिक्वेस्ट 28 एंड 29 फॉर द व्हीकल, एंड जो कॉल दूंगा एक रेडियो पे द व्हीकल जो भी व्हीकल रहेंगे एस्केपिंग व्हीकल, सो द कॉल विल गो लाइक दिस, द एस्केप व्हीकल सीम्स टू बी अ जो भी ब्लैक फेस्टर नियॉन लेट्स है ठीक है इन ब्लैक इन कलर ऐसा कुछ। अच्छा प्रायोरिटी वेपन क्या होता है पीडी वालों का एकदम? वॉइस। अच्छा और फिर भी ना सुने, अब मुझे एक बात बताओ तुम लीजन स्क्वायर पे हो, तुम तुम्हारे सीनियर के साथ लीजन स्क्वायर पे, तुम जूनियर हो तुम सीनियर तुम्हारे साथ लीजन स्क्वायर पे जा रहा है okay. तुम्हारा सीनियर लीजन स्क्वायर पे जाता है, एक बंदा उसके गाड़ी को ठोकता है सीनियर की ठीक okay. है, सीनियर बाहर निकलता है वो बंदे को पैर पे शूट करता है ठीक okay. है पीडी में और कोई नहीं हो तुम दोनों ही हो टाइम पे लाइक वो कितने सर है वो कितने जन है? नहीं सामने एक बंदा है okay. वो बंदा को गलती से अपने पीडी उनके तुम्हारे जो सीनियर है उनके गाड़ी को जरा सी गाड़ी में गोली लग जाए मतलब क्रश गाड़ी टच हो जाती है okay. तो तुम्हारा सीनियर जो भी है जो भी आप सिम्बा सर और तुम घूम रहे हो बराबर okay. सिम्बा सर यहाँ पे सीनियर है वो और तुम घूम रहे हो शहर में और कोई पुलिस वाला नहीं है okay. और सिम्बा सर की गाड़ी को सामने वाला टच कर देता है पर सिम्बा सर उतरते है वो बंदा बाहर निकलता है सिम्बा सर उसके पैर में गोली मार देते है कि गाड़ी ठोकी कैसे तो तुम वो टाइम पे क्या करो? सर बेसिकली तो इसमें सिम्बा सर को गोली मारा विदाउट एनी रीजन ठीक है भाई छोटी सी अगर इस पे ठीक है बात नहीं कुछ नहीं सो लाइक एस्केलेशन ऑफ फोर्स के नाम पे एक चीज होता है हमारे पास ठीक है एंड ऑब्वियसली मेरे सीनियर को ऑफिस ये मारा है सो आई विल लाइक पॉइंट तुम्हारे सीनियर ने उसको गोली मारी है वो बंदे को। अच्छा मेरे सीनियर ने मारे? हां वही तो बोल रहा हूं ठीक से सवाल सुनो तुम और सिम्बा सर कोड वन कर रहे हो बराबर सिम्बा सर का रैंक बहुत ऊपर है तुम्हारा रैंक बहुत नीचे एकदम ट्रूपर okay. हो तुम और सिम्बा सर यहाँ पे मेजर कर्नल है ठीक है okay. तो सिम्बा सर की गाड़ी को कोई टच करता है सिम्बा सर गाड़ी से उतरते हैं वो बंदा भी गाड़ी से उतरता है सिम्बा सर जैसे वो बंदा गाड़ी से उतरा सिम्बा सर उसके पैर में गोली मारते हैं वो बंदा नीचे गिर जाता है तो okay. तुम क्या करोगे इस सिचुएशन लाइक वो सिचुएशन पे जो है लाइक वो कमांडिंग ऑफिसर है तो लाइक मैं एक बार बोलूंगा कि सर मत कीजिए एज अ सीनियर मुझे उनका चेन ऑफ कमांड की सबसे बात सुननी चाहिए जो भी कह रहा है बट इफ अगर कुछ होता है इन फ्यूचर लाइक क्योंकि वो तो गलत किए छोटी सी इस पे आप किसी को मार नहीं सकते हो तो वो टाइम पे तुम क्या करोगे अगर वो बंदे गोली मार देता है तुम क्या करोगे बंदा ब्लीड आउट हो रहा है फिर लाइक मैं उनको बोलूंगा सिम्बा सर मत करिए लाइक उनको ट्राई करूंगा कि ये सब रुकने का बट इफ अगर वो एक ही बार बोलूंगा बिकॉज वो सीनियर है ठीक है उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा उनको
एंड लाइक फिर अगर कुछ भी होता है तो मेरे चेन ऑफ कमांड के हिसाब से मुझे लाइक ये गलत चीज हुई है तो एक बार बात कर लेनी चाहिए अपनी पीढ़ी के जो चेन ऑफ कमांड के साथ। तो मर जाएगा ना उधर वो ब्लीड आउट होके। ये तो मैं एक बात बता दूं, जब मैं सिम्बा सर क्या होना चाहिए एंड फिर जो बंदा है तब क्या करोगे वो बताओ मेरे को, बात की बात में रहें तब। मैं लाइक सिम्बा सर को रुकूंगा, उनकी पिस्टल या मतलब अंदर रखने उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, एंड तुरंत ईएमएस बुलाऊंगा, ठीक है। सिम्बा सर बोल देगा तुमको कुछ नहीं करना, नहीं तो तुमको भी गोली मार दूंगा मैं फिर। बट लाइक वो सिविलियन की तो जान इम्पोर्टेंट है ना, तो तुम क्या करोगे, वही तो सिचुएशन है, मैं तुमको सिचुएशन दे रहा हूँ ना, तुम क्या करोगे। ये हो सकता है ना, पीडी वाले इतना स्ट्रेस्ड आउट रहे, तुमको पता है पीडी को आए दिन धमकी मिलती है, ऑफिसर उठ जाते हैं। सिम्बा सर वो टाइम पे सिम्बा सर का मूड अच्छा नहीं था, उन्होंने गोली धर दी वो आदमी को, आदमी ब्लीड आउट हो रहा है और तुम बोलोगे तुमको भी गोली धर देंगे, तो तुम क्या करोगे। हाँ सर, बेसिकली मैं एक बार तीन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फिर नहीं भी मानते हैं तो लाइक मैं वो बंदे को लाइक पहले रश कर दूंगा हॉस्पिटल। हाँ रश करोगे, सिम्बा सर तुमको भी गोली मार देंगे फिर। लाइक नहीं सर, लाइक उसकी तो जान इम्पोर्टेंट है ना सर, लाइक। अरे पर तुम क्या, तुम्हारे को गोली मार, चल तुमने वो बंदे को बचाने की कोशिश की, तुमको भी दो पैर में गोली मार दिया, अब क्या कर सकते हो, एज अ सीनियर क्या ही बोले। बोलिए सोचिए। बस सही, ये कौन बोला, एकदम इजी आंसर है, तो मैं बता दो ना फिर। बताइए आप, बताइए आप, ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं मेरे साथ। आप बोलो पहले, आपका गला देखा सही है। बोलिए सर, आपको सवाल पूछा गया। ऑफिसर्स प्लीज कम टू लीजियन स्क्वायर, मैं जा रहा हूँ। इज द ऑफिसर्स डे एंड हमारे स्टेट ऑफिसर हमसे मिलना चाहते हैं लीजियन स्क्वायर पे। उनको बोलो 5 मिनट रुके, इंटरव्यू चले। बंदा केस भी कर सकते हैं पीडीपी की इस छोटी सी चीज पे, मेरी जान की परवाह ना करते हुए। अच्छा अब मुझे एक और एक सिचुएशन देता हूँ मैं। एक तुम्हारा भाई है, तुम दोनों पीडी में हो, ठीक है, ओके। तुम एक इन्वेस्टिगेशन करके एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ते हो, उसमें एक बंदे को तुम पकड़ लेते हो, ठीक है, ओके। वो बंदे को जेल में तुम लोग डालते हो, तुम और तुम्हारा भाई, भाई ब्लड रिलेशन एकदम, दोनों पुलिस में सेम रैंक पे सेम है, ठीक है। वो जेल में बंदा रहता है, बंदा बोलता है तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई मेन लीड रहता है ऑफिसर, तुम्हारा भाई को बंदा बोलता है कि सुनो पांडे सर, इंटरव्यू गोइंग ऑन, वेट अ सेकेंड, जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा उस दिन तुम्हारी पूरी फैमिली मार दूंगा मैं, ऐसा तुम्हारे भाई को धमकी देता है, ठीक है। वो जो क्रिमिनल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड तुमने पकड़ा है तुम्हारे भाई ने, okay। तुम भी उसमें हो, तुम्हारे सामने हो, धमकी देता है, पर तुम्हारा भाई उसको जेल कर देता है, ठीक है, 6 okay। महीने की जो भी जेल है उसकी, okay। पांडे सर स्टेट ऑफिसर ने लीजन पे बुलाया है तो कमेमोरेट सेंटर में गंगा को बोलो इंटरव्यू रुकना पड़ेगा। हाँ, 10 आए हुए 10 घंटे के लिए, तो सिचुएशन गांत्या में, हाँ, तो तुम्हारा भाई एक दिन उसको जेल कर देता, ठीक है, वो बंदा जेल गया, फिर जेल करने के बाद तुम और तुम्हारा भाई कोड वन कर रहे थे, कोड वन में एक दिन तुम्हारा भाई वो बंदे को देख लेता है कि वही बंदा है, उसकी जेल काट के वो आ चुका है। वो बंदा कुछ करने के पहले तुम्हारा भाई उसको गन पॉइंट करता है, कफ करता है, माउंट चिलियार्ड लेके जाता है और वो बंदे को वहां से धक्का दे देता है और दिखाता है कि ये जो ये हुआ है ना, ये हादसे में गिर गया वो बंदा, ठीक है। और तुम्हारा भाई तुमको बोलता है देखो ये बात अपने में रहेगी, मैंने फैमिली के लिए किया, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी जान बचाने के लिए, अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए किया, क्यों अगर ये बंदे को अपन छोड़ देते ये सजा काट किया तो अपनी पूरी फैमिली को मार देता। अब ये बात तुम मुझे नहीं बताना, मेरे को आके अगर आप ये बात पता चल जाएगी, चुलबुल पांडे को ये बात पता चल जाएगी तो चुलबुल पांडे हमें दो फायर कर देगा काम से और मेरे पास जॉब नहीं रहेगी और फिर मैं बहुत टूट जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। हाँ सर, बेसिकली जब हम लियो बनते हैं, ठीक है, सो हमको बताया जाता है कि हॉनेस्टली विद द डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारा पहला एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, गलती किया है उसने, ठीक है, भले ही कुछ भी हो, ऐसे तो हर 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 दो दो बंदा धमकी देता है पीटी को, जैसे आपने भी अभी बताया, आपको भी रोज धमकी आती होंगी, सो लाइक ये जो है उसने गलत किया है, ठीक है, एंड लाइक मैं तो पहले रुकूंगा जब वो करने से पहले, अगर वो फिर भी नहीं मानता है सो लाइक आई विल बी लाइक चेन ऑफ कमांड के हिसाब से जो भी मेरे हायर रैंक है मैं उनको बता दूंगा ये सब चीजें, क्योंकि लाइक मेरे से सर्विस पहले आती है,
गलती क्या है, वो जान, उसकी भी जान इंपॉर्टेंट थी, उसकी भी फैमिली थी जो भी है, भले उसने ड्रग भी कुछ भी किया हो. सो लाइक आई विल कन्वे माय मैसेज टू द हायर कमांड्स अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ कमांड. पर उसने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया. नहीं सर, लाइक ऐसे तो आप की जान बचाने के लिए किया. नहीं सर, लाइक जब ऐसे तो आपने भी अभी जब बोला कि हमको हर दो दिन में आती है कंप्लेंट, ये कि इसने ये किया उसने वो किया, लाइक आपको भी आती होंगी पीडी के कितने को उठा लूंगा वो उठा लूंगा. अब हर बंदे को तो कुछ ऐसा कर नहीं सकता सर, एज अ लियो वर्दी का कुछ है तो रहना चाहिए सर. ठीक है ठीक है ओके. अगर आपको, आप कैप्टन थे, अगर आपको कम रैंक मिली तो. हेलो, अंदर किसने बुलाया? अंदर कैसे आए तुम? वही तो सर बाहर थे ना, उन्होंने बोला ना बाहर आओ. कौन थे? माइक वाले थे. लॉक कर, बंद करो. मैंने किधर बोला? अंदर नो ना, वेट करो बाहर आओ. अलग सीन से कॉल चला, सोपी अलग है. कैप्टन बहुत बड़ी पोस्ट है. यहाँ की पोस्ट पता है आपको कैसी होती है एसएसपी की? ना नहीं सो लाइक हमारे इधर था ना लाइक एसएसपी. लेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग. इसमें लाइक ऐसा था सर, कैडेट ट्रूपर सीनियर ट्रूपर कॉर्पोरल जो चलता है. हाँ वो तो एलएसपीडी के रैंक्स हो गए. एसएसपी भी ए था सर लाइक. नहीं एसएसपी की, एसएसपी है यहाँ पे, लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे अलग रैंक्स है. अच्छा, यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम्स अलग है. ओके okay. हाँ तो अच्छा, मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज अ कैप्टन. अपने को जाना पड़ेगा थोड़ा वहाँ पे. अच्छा चलो कोई दिक्कत, क्योंकि वो आज 26 गया, आज 26 तारीख है ना. ए रजनीकांत, हाँ हाँ तुम भी हाँ बोल रहे हो. सम्राट अंदर आओ. तुम भी हाँ बोल रहे हो. वो देखो, अबे ये देखो भाई. ओ सम्राट अंदर आओ. काय को बुला रहा वहाँ पे? अरे कुछ वो फंक्शन है, वो 26/11 कमेमोरेट करने की. तो दो मिनट रुक जाए बेचारे, 3 घंटे से रुके हुए. जाएंगे अपन. चलो तो अच्छा पूछ लो तुम्हारे सवाल पूछ लो, फिर जाते हैं. सर कैप्टन से मेरे को क्या बता दो, व्हाट्स आर्सन? ARSON सॉरी, या व्हाट्स आर्सन? ये क्या होता है? और यार ओके नो नेवर माइंड. लाइक इफ यू आर आस्किंग अबाउट द लाइक अल्टरनेटिव वर्ड, सो आई एम सॉरी, ये मैं नहीं बता सकता हूं. लाइक हर चीज से पता रहना जरूरी है. लॉस सूट, दिस इज द बेसिक आई एम आस्किंग. No, I don't know. Sorry. Okay, can you tell me what's infraction? Kya? Infraction. Sir, देखिए आप जहाँ से होंगे, मेरा PD का department अलग था, आपका PD का department अलग होगा. Yes, sir. Lawsuit everywhere. नहीं सर, sorry, हमको नहीं पता. The US. खुद पांडे सर को नहीं पता, छोड़ो. कौन बोला? भाई रजनीकांत कौन है भाई? सम्राट. Obey yourself. Get out of this room. मेरा चल रहा, तुम्हारा चल रहा, हुआ क्या इंटरव्यू के? आप ले और लेने बाकी उसके सवाल पूछो. पूछो को है, पूछ नहीं. Can you tell me the difference between first degree and third degree murder? Nope. Sorry. No. आपकी पोस्ट कैसे मैं जान सकता हूँ? यार ट्रूपर फर्स्ट क्लास. अच्छा. वो बताइए आपके लिए रैंक कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ लाइक सर, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक रैंक का उतना ये नहीं है. लाइक मेरे को तो सर्व करना ठीक है, ठीक हो ठीक है. बट लाइक दिक्कत क्या आती है पांडे सर, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक आप हो ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बोला ठीक है. बट कोई कोई सिचुएशन है लाइक जिसमें, जैसे मैं अभी हुआ हूँ ठीक है, लाइक सपोज आई वॉज अ ट्रेनी ठीक है, एंड कोई भी जो ट्रूपर है जो यहाँ पे अलॉटेड है, बट उनको अगर चीजें नहीं पता और फिर वो चीजें गलत हो रही है. लुल पांडे सर, सर उसको ही तो चेन ऑफ कमांड बोलते हैं आप. नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं, डायरेक्ट ऑर्डर टू कम सिचुएशन. अरे अरे 2 मिनट ना, आपको काम करने का, आपकी काम के ऊपर एबिलिटी के ऊपर है. अगर आपका, मैंने इसलिए आपको सवाल पूछा था सिम्बा सर वाला, कि आप चेन ऑफ कमांड कैसे फॉलो करते हो, गलत है उसको कैसे सपोर्ट करते हो आप, क्या करते हो. फिर उसके बाद मैंने आपको आपके 2 एग्जांपल भी दिए, भाई का और उसका. तो वो सब सवाल मैं सोच समझ के आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने कोई डिटेल पूछा ना, मैंने तो सिचुएशन पूछी.
बराबर ऑफिसर ने जो पूछा वो नहीं पूछा ना मैंने, इसका फुल फॉर्म बताओ। ऐसे तो लाइक सबका फुल फॉर्म एंड सबका अलग अलग चलता है डिपार्टमेंट, राइट? तो इसके लिए तो मैं आपको सिचुएशन पूछ रहा था ना कि क्या क्या सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तुमको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन मेरा, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे को वकील चाहिए और वो टाइम पे शहर में वकील नहीं, तो तुम क्या करोगे? हाँ सर, बेसिकली स्टेट अटर्नी अवेलेबल रहा तो ठीक है, उसको 15 मिनट्स देंगे, ठीक है, अगर वो कहता है तो। अगर उसका पर्सनल वकील होगा तो हमको 15 मिनट्स देते हैं हम, ठीक है, इफ़ अगर सबको अपना राइट टू लॉयर होता है, ठीक है। बट इफ फिर भी नहीं है, सो लाइक उसका जो भी है पेंडिंग केस, लाइक एक बार मेल पे कॉन्टैक्ट करके, इफ़ अगर नहीं आते तो लाइक जो भी प्रोसीजर है पहले वो कर लेंगे, ठीक है। सो बाद का इफ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू दैट केस, सो लाइक ही कैन अर्ज व्हेनेवर द डिस्ट्रिक्ट अटर्नी और हिज पर्सनल अटर्नी इज अवेलेबल। क्या करोगे आप वो टाइम पे, उसको छोड़ दोगे? नहीं नहीं, जो भी प्रोसीजर होती है सर। पर उसको जेल जेल कर दोगे तो खत्म हो गया ना, सजा तो मिल गई उसको। नहीं सर, लाइक ही कैन लाइक पुट अ केस ऑन, लाइक हमने तो कोई गलत इस पे किया नहीं होगी ना सर, लाइक प्रॉपर एक। पर सर आपने उसको जेल कर दिया, खत्म हो गया ना। जेल करने का मतलब क्या होता है वो बताइए। नहीं सर, उसका बेलिंग अमाउंट ले लेंगे ना सर, लाइक इफ अगर कुछ, अगर उसने फेलनी नहीं किया होगा क्राइम ऑफेंस। नहीं पर बेल कैसे लोगे जब वकील ही नहीं रहेगा, तो किस चीज का बेल लोगे, कौन लेगा बेल? अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ। तो बिट बोलिए किधर है रेडियो पे क्या तू धमकी अभी बोल, डायरेक्ट ऑर्डर है। कौन बोल रहा है? पता नहीं, स्टेट सेक्रेटरी सर। उनको बोले इंटरव्यू चल रहा है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर टाइम। बट सर एक बात बताइए, बताइए लाइक इफ अगर वो बंदे ने अगर क्राइम नहीं किया होगा, लाइक जो मेजर क्राइम जो पेनल कोड्स में आता है हमारे डिपार्टमेंट के, सो लाइक तभी बेलेबल होती है जितना मेरे नॉलेज है। लाइक इफ अगर उसने किया होगा तो भी बेल तो कोई मतलब है नहीं लाइक। सर एक्चुअली वहां पे जज और आधी सिटी वेट कर रही है आपके लिए। आ जाओ जल्दी सर। ठीक है ठीक है, रजनीकांत यू आर गेटिंग अ स्ट्राइक फॉर दिस। ओके सर, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ओके सर, लाइक आई हैव टू प्रोवाइड योर मेल आईडी। इनका मेल, यस यस, आप इनका मेल आईडी इनको दे दो, इनको, मेरे को नहीं दे पाएंगे, इनको दे दो। राजू पाटिल मिल जाएगा। चलो चलो राजू पाटिल, क्या मर रहे उधर इतना? अरे चलो भाई, मेरे को भेजो, मेरे को भेजो ऊपर मेल पे राजू पाटिल। सर आई नीड 1091 ऑन लीजन स्क्वायर। अरे अरे भाई, क्या नाम है आपका? आवाज नहीं है मेरे को अभी, इतनी बस में। हेलो, हाँ हाँ हाँ, सर मैं हाँ हाँ बोलिए। नाम बोला ऑफिस? इधर 99। ओ नहीं, इधर का नाम क्या आपका? इधर 99 और लाइक मेल आईडी एंड रफ्तार सिंह यहाँ पे। ओके आ जाओ, ठीक है, आपका कल तक आ जाएगा रिस्पांस। ओके थैंक यू। हाँ आ जाओ तुम हमारे को, आ जाओ आ जाओ। अरे उसको किधर लेके जा रहे हो? रुको भगवान, सॉरी सॉरी सर, कौन वेट कर रहा है वहां पे? हाँ चल रहा है भैंस के, पुलिस वाले मजाक बना के रखे, निकान को तो स्ट्राइक देता रुक गई फिर। ओ बेड़ी उधर आ रहे, वो देख भाग के आ रहा है। लीजन पे कहां पे? ये क्या अंदर रहेंगे बैंक्स? वहाँ पे तो खड़ा हूँ मैं बैंक पे। कोई भी सर अंदर अंदर लीजन के अंदर आ जाइए, वेब पार्क कर दीजिए, पार्क करना जब दिमाग खा जाएगा सर। अब पांडे जी कैसे हो? वैसे एक बात बता पांडे जी, यार बुला तो है सबको लेकिन आई गए। ये क्या हुआ? ट्वेंटी सर, वेयर इज योर 1020? आ जाओ बे लीजन स्क्वायर।
कहाँ है ऑफिसर, जल्दी आओ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप जैसे सॉफ्ट ऑफिसर काम वैसे हम सुरक्षित है शहर में। पांडे जी जय हिंद। जय हिंद। कौन बोल, ये कहाँ से आवाज आई इसका? दादूस का। दादूस नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं। अरे दादूस हैंडसम हो गया नहीं? सर किधर धक्का दे रहे हो? उसका मेकओवर हो गया, किसी ने कर दिया। अभी जरा शांति रखोगे तो ऑफिसर्स। यस सर। ऑफिसर्स प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। वो दिख नहीं रहा है मेरे को। जस्ट स्टेप फॉरवर्ड, यू विल बी सेफ, नो प्रॉब्लम। अरे आइए सर, आप आगे आइए। स्टेज बहुत आर्टिफिशियल है, वैसा ही दिखता है। अच्छा दिखेगा सर, लाइन में रखो। नाइस 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 नाइस। अरे पांडे सर को आगे खड़े रहने दो। गोल्डी स्टे इन लाइन, स्टे इन लाइन, स्टे इन लाइन। पांडे सर डीके स्टेज की तरफ। पांडे सर कह रहा है खड़े रहो, खड़े रहो। सुनो सुनो ना, आगे आ जाओ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? लाइन लाइन सब मारने वाले ऑफिसर, ऑफिसर तो मस्ती करने वाले हैं लग रहे हैं। कौन बैठा है इधर? पांडे जी आप सीनियर आगे हो जाओ, सैल्यूट कीजिए। हमसे पहले आप मरो, कुछ नहीं कुछ। शुभ्रज्योत्स्नाम् पुलकितयामिनीम् तुल्यकुसुमितां द्रुमदलशोभिनीम् सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम् सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् मातरम् भारत माता की जय। मातरम् इंकलाब जिंदाबाद। अब किससे मजा दी मांग रहे हो? अरे मैं क्या बोलता हूँ, सुनो सुनो, अभी सब कुछ मेरे को लगता है सबको जन गण मन आता होगा, वो गा लेते हैं। हाँ जन गण बोल। नो नो नो, आई थिंक सुनो 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 सुनो, नो नो नो, जन गण प्लीज, नो जन गण। पांडे जी के लिए 2 मिनट का मौन वर्त। नहीं नहीं पांडे जी, नहीं नहीं ऑफिसर गोल्डी, एक 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 स्पीच हो जाएगी अभी किसी ऑफिसर से। स्टेट ऑफिसर देंगे ना, स्टेट ऑफिसर देंगे ना, वो सेक्रेटरी है यार, कितने बड़े बड़े बड़े, बहुत बड़े। हाथ नीचे ले, बस हाथ नीचे ले। वो उधर बैठे क्यों है? पर कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। उनको उनको निकाल दो ना वहां से, कोई तो कोई तो एक उठा लो वहां से। ऑफिसर ज्यादा मत बोलो, पीजी देखो, बोलो पीछे आके बैठो चाहिए तुम। और जलेगा जलेगा। नाइस नाइस। पर सैल्यूट किसको कर रहा है? हमारे मन में जो आई गेस सब लोग ने अभी शांत बैठना चाहिए ना। या यू आर राइट, बस सैल्यूट नीचे कर दो और शांत खड़े रहो गाइस। साइलेंट सब लोग, 2 मिनट साइलेंस, 3 2 1 स्टार्ट।
ओके गाइस ओके ओके 2 मिनट्स ओके डन डन अभी स्पीच स्टेट सेक्रेटरी सर देंगे हां सर स्टेट सेक्रेटरी सर जो स्पीच कर रहा है वो आ जाओ सर आप क्या स्टेट सेक्रेटरी सर आप दीजिए स्पीच बिल्ली टू इस बुल्स पांडे एक यस पांडे बेटा टू लेट लेट्स गो पांडे जी Hey guys, first of all, guys, just hold a bit. It's not a joke, okay? Yes. कौन सा कह रहा हम तो चेयर अप कर रहे हैं एक मिनट guys, यहाँ पे एक मिनट है मैं बोलूँगा यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ठीक है मैं सबको एक चीज पहले बता दूँ अगर तुमको यहाँ पे नहीं आना है यहाँ पे आके ये मस्ती करनी है ऐसे चले जाओ as simple as that ओके अभी स्पीच के साथ कंटिन्यू करो सही बोला ऑफिसर आपने साइलेंट जॉन जी आप बोलते तो बंदोबस्त करो क्या जो मस्ती कर हाँ कर दो उनका बंदोबस्त नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बोलेगा आवाज आ रही है सबको मेरी आ रही है तो मैं बोलना चाहूँगा कि 26/11 को अपने देश पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था और उस अटैक से उभर के हम सब देशवासी आगे आए थे हमारे कमांडोज ने बहुत अच्छा काम किया था प्लस हमारे पुलिस वालों ने भी बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई पुलिस वालों की इसके लिए बोलता हूँ रिस्पेक्ट कीजिए पुलिस वालों की वो लोग दिन रात सेवा करते हैं देश के लिए देश की और आपकी तो प्लीज़ पुलिस वालों की रिस्पेक्ट कीजिए और जो जो ऑफिसर वो टाइम पर शहीद हुए थे उनके लिए मन में एक अच्छी सी भावना रखिए आप सिविलियंस हो आपके साइड से जो भी आप इनिशिएट करना चाहते हो जैसे कि आप उनके लिए दुआ कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साइड से कीजिए कम से कम आप गलत चीज़ों का साथ मत दीजिए और ऑफिसर और जो भी शहीद हुए उनके लिए अच्छी चीज़ें सोचिए आपकी ब्लेसिंग आपके जो भी अगर अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो वो अच्छा रहेगा लोगों के लिए और इस सब जो हुआ था टेररिज्म जो हुआ था उसके ऊपर अपने को मात लानी नहीं टेररिज्म एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है देश के लिए और अपना देश फिर भी इस सब चीज़ से लड़ रहा है और आगे आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि हम सबकी यूनिटी है तो यूनिटी में सब लोग विश्वास कीजिए और देश का नाम है सिर रोशन कीजिए जय हिंद जय भारत जय भारत जय भारत तालियां बजनी चाहिए स्पीच के लिए स्टेट ऑफिसर इट वुड बी आवर प्लेजर टू लिसन यू यस सर यू स्पीक वेरी वेल सर बिली सर आई हैव थ्रोट प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफिसर कमरान ओके सर आई स्टार्ट स्पीकिंग यू हैव टू रन जज सर इट विल बी आवर प्लेजर टू लिसन यू थैंक यू जितने भी लोग हैं शहर में काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं बट यू नो उसके लिए हमारे पास लीगल तरीके हैं सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि यू नो डोंट गो फॉर एनी सच इलीगल थिंग्स और पुलिस वालों को सपोर्ट कीजिए बिकॉज अगर अपने सिटी पे अगर कोई संकट आता है ना तो यही हमें बचाने वाला है और कोई नहीं आने वाला है आप अपने इंटरनल झगड़े जो भी है जो भी चीज़ें हो रही है या फिर पुलिस के साथ जो भी आपकी चीज़ें चल रही है ग्रजेस है वो है तो उसको थोड़ा लीगल तरीके से सुलटाने की कोशिश करो बिकॉज दीज आर द वन हु आर एक्चुअली गोना सेव अस फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कियोस सर इसके हाथ में गन है ठीक है गाइस सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से एंड इट्स हैट्स ऑफ टू एवरी ऑफिसर्स इन द लॉस सैंटोस जो दिन रात मेहनत करते हैं जो गाड़ियाँ हटाते हैं इलीगल पार्किंग की शहर को साफ रखते हैं शहर का क्राइम मिटाते हैं ठीक है तो उनको बस तकलीफ ना होने दे
आपको लगता है कि आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम है, जाके उनसे बात करिए, सॉर्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज ही डजंट, कोई भी ऑफिसर की आपके कोई आपके साथ पर्सनल दुश्मनी है नहीं. सो मास्क ऑफ, मास्क ऑफ. या दैट्स व्हाट आई ऑल आई वांट टू से. अरे सर मेरे क्या सम्राट जी इधर देखो, अगर हवे में तरंग रही है मुझे वो लोग आपको बचाने के लिए भी देंगे, वो उनसे ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पूछे ये भी आप, आपकी जान बचाने के लिए. तो जस्ट आई वांट टू थैंक द ऑफिसर्स, दैट जो लोगों की इतनी सेवा करते हैं, लोगों की इतनी जान बचाते हैं. थैंक यू ऑल द ऑफिसर्स, ऑफिसर चुलबुल पांडे, ऑफिसर गोल्ड, ऑफिसर आई कांट टेक ऑल द नेम्स एक्चुअली, यू नो देयर आर लॉट ऑफ ऑफिसर्स. नाम ही नहीं आया. यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. आपका ये दो शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा हम सब. की बजानी है लो, ओ गाइस क्लैप नहीं करना इधर. थैंक यू सो मच. ये दो वर्ड्स बोलूं क्या इसके लिए? जी हां बोलिए जी, आप आगे जा सकते हैं. चलो डोंट क्लैप. हेलो डोंट क्लैप सर, ये शहादत है भाई, शहादत का इवेंट है, प्लीज डोंट क्लैप. ओके गाइस, आज 26/11 है, तो आज ब्लैक डे, ओके ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है इसको. तो आज ये यहाँ पे हम क्या आजादी का दिन भी नहीं बोल सकते कि लाइक हमारे बहुत लोग शहीद भी हुए थे इस दिन, समझ रहे हो? तो हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लाइक पुलिस की, हमारे जो शहीद जो देशवासी हुए उनको भी बहुत सारा, उनके फैमिली को भी हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, हम सब ने भी मिलके. किनियर भाई जो भी है आपके आसपास, कभी हो आपको जरूरत, उनको कोई जरूरत हो उनको हेल्प करनी चाहिए. ओके ओके फाइन फाइन. हर जगह पे ये तो सिचुएशन होती है कि कभी कभी हम देख के भी ना देखा करते, समझ रहे हो? चीज आप कभी भी कहीं पे भी देख सकते हो. वैसे तो पीढ़ी वाले तो अपने तो भाई एकदम ओपी, में तो बोल सकती हूँ पीढ़ी वाले बहुत सारे हमेशा, उनको कभी भी कॉल करो, कभी भी कुछ भी करो, वो हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रहे. तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ सबको, बहुत सारा प्यार है और बहुत सारे अपने देशवासियों के लिए भी बहुत सारा प्यार सबके लिए मेरे दिल में. बिजली जी के बातों से एक बात मुझे ध्यान में आई, पुलिस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, मुझे मौका मिलेगा सर? नहीं वो नहीं हो रहा, हो नहीं रहा है, नहीं तो मैं कर देता. मेरा नाम सैयद मानूस है और मैं आप सबको एक चीज़ एड्रेस करवाना चाहूँगा कि हम बिजली जी ने जैसा बोला कि अपने आसपास के लोकल्स, उनको भी आप हेल्प कर सकते, तो उससे मेरा मतलब है कि लोकल पुलिस, हम उनको भी एड्रेस करना चाहिए. हम कभी कुछ गलतियाँ करते तो उन कभी कभी उन लोग हाइप हो जाते और हम उस पर ना, तो उन पर उनको एज ए डिसरिस्पेक्ट करते. हम उनको आजकल है ना पुलिस को बहुत सारे नाम देने लग गए, पुलिस लोग को है ना बहुत सारे मतलब गलत नज़रिए से देखने लग गए, लेकिन तुम लोग को उनका हाइप होने का एक रीज़न भी समझना चाहिए. उन लोग है ना डेली बेसिस पे क्रिमिनल लोग के साथ उन लोग डील कर रहे होते, फैमिली केस को पीछे छोड़ के, तो उनको एक मेंटालिटी डेली बेसिस पे हैंडल करना पड़ता है लोगों को. कुछ लोग पागल जैसे आते हैं, कुछ लोग कैसे आते हैं, मतलब उनका मेंटालिटी अपने को नहीं पता किन किन लोगों को मिल के आए हुए. तो जब भी कभी किसी पुलिस वालों से मिलेगा और अगर वो आपसे थोड़ा हाइप होके या कुछ गलत सलत बात कर दिया, तो सिर्फ इतना ध्यान रखा, तुम पहली बार किसी पुलिस वाले को मिल रहा है, वो पुलिस वाला दिन में 10 क्रिमिनल को मिल रहा है, तो उसको है ना उतना रिस्पेक्ट से बात किया करो. हाँ सर समझ सकते हैं, ऐसा बात किया करो, इतना ही मुझे बोलना था. वो ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें उसको रिस्पेक्ट करना है. ठीक जी, जी जी जी. अरे सब बोल रहे क्या? लाइन लाइन मतलब नहीं, किसी को अभी जाना होगा तो किसी को जाना है तो जा सकते हैं अभी. आपकी डिलीवरी वाला जो है 450 का प्रॉब्लम.
क्या सर? क्या नहीं? क्या बोला? Yes you can, why not? क्या? जो अगर कोई कुछ दो शब्द बोलना है कुछ दो शब्द बोल सकता है। अच्छा अच्छा ओके। आई होप सबको आवाज आ रही होगी मेरी। जी जी। Yes yes yes। सब लोग सबको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, which is a very good thing। 26 November 2008 इंडिया पे सबसे बड़ा मैसिव हमला हुआ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ हर जगह पे। ओबेरॉय होटल, फिर आपके ताज होटल, ऊपर नरीमन हाउस, ऐसी जगहों को टारगेट किया है इन टेररिस्ट्स ने। और फिर 3 दिन तक पूरा देश, मुंबई जो कि कभी रुकती नहीं है, मुंबई थम गई थी। एक उन 3 दिनों के लिए मुंबई थम गई थी, मुंबई चल नहीं रही थी। जो मुंबई न्यूयॉर्क के दिन पे भी रुकती नहीं है, वो मुंबई 3 दिन के लिए पूरी सन्नाटे थम गई, हर जगह दहशत। और जब हम इन चीज़ से उभरे तो कहते हैं कि बियॉन्ड एवरी सॉरी या जैसे कहते हैं कि बियॉन्ड एवरी बैड डीड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। तो हमारे लिए वो सिल्वर लाइनिंग 3 दिन बाद आई। एंड मुझे अभी भी याद है 2008 में, 2008 में जब मैं था तो मैं उस टाइम मुंबई में ही था जब ये चीज हो रहा था। साइलेंट साइलेंट प्लीज। एनपीसी एंड हम सब डरे हुए थे। एनपीसी एनपीसी सो आई कैन नॉट कॉन्टेम्पलेट कि किस तरह से मेरे जो फ्यूचर मेरे जो फर्दर कोलीग्स थे डॉक्टर्स उन्होंने किस कंडीशन में, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था कि जैसे हम जैसे अभी ईआर जब हम देखते हैं तो एक पेशेंट आता है, दो पेशेंट आता है, तीन पेशेंट आता है, एक साथ 6 आ जाते, चलो ठीक है। मुंबई में उन 3 दिनों के लिए लगातार पेशेंट आ ही जा रहे और हर एक की अलग अलग चीज़ें हो रही। किसी का सर फटा हुआ आ रहा है, किसी का हाथ नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों से डॉक्टर्स उभर रहे थे और लगातार 3 दिन तक डॉक्टरों ने सेवा की। तो जैसे हम पुलिस वालों को बोलते हैं, हम उन महान कमांडोज को बोलते हैं, जैसे हम मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की बात करते हैं, तो मैं अपने डॉक्टर कोलिग्स की बात करूंगा कि अगर वो नहीं होते तो शायद हमें वो जो टेररिस्ट था वो मिला नहीं होता। और भारत एक डेमोक्रेसी तरीके से जो भारत एक डेमोक्रेसी है वो सामने नहीं आ पाता इस तरह से। तो अच्छी बात है हमारा भारत प्यारा देश बाहर आया इस चीज़ से 3 दिन बाद और ये 3 दिन की दहशत खत्म हुई। सो कोई तकलीफ भाई? चीयर्स टू ऑल माय डॉक्टर कोलिग्स। यस थैंक यू फॉर योर सर्विस डॉक्टर। माता की जय। डोंट क्लैप सॉरी टू इंटरप्ट बट वी विल बी कट बाय टुमारो 9 PM। यस 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 ओके मेरी भी गाड़ी खड़ी है, कोई ले सर।
अरे हाँ मैं पूछ ली ना कुछ अरे मेरी गाड़ी है अरे सॉरी 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 वो मसल प्ले हेलो पांडे बेटे ठुल्ले बेटे वो नहीं है सर देखो ये मार रहा है सर देखो ये मार रहा है हट जाओ ये देखो मार रहा है सर वो हट जाओ हट जाओ ऑफिसर 99 कॉल समझ में नहीं आता तुम लोगों को सब पूछ के अपन ही नहीं पूछे कौन है लीजेंड स्क्वायर पे देख जरा लीजेंड स्क्वायर पे कौन है देख वी आर ऑलरेडी एट ब्रीफिंग रूम कोई नहीं गाड़ी इंपाउंड कर दो ऑफिसर मैं उतर नहीं पा रहा हूं लॉक कर दो रे करो पांडे सर आगे लो गाड़ी जज फ्रॉम डीओजे डिपार्टमेंट ही वांट्स टू मीट यू पीछे कर पीछे उतरो अभी नहीं एन4 मेक हिम वेट इन कैबिन्स कैप्टन के अभी उतरो नहीं पीछे लो गाड़ी जज टोल्ड टू मीट यू इन द कोर्ट उतरो अरे कोर्ट कोर्ट में मिलने जाने को बोला है अरे वो बोला 5 मिनट में नहीं आया सीनियर को अरे भाई वो डेंजर है भाई अरे वो बिना भी रीजन के सस्पेंड नहीं करता ऑफिसर 99 ब्रीफिंग रूम समझ में नहीं आता तुमको सर हम कितनी बार वहीं पे थे तो रुकने नहीं होता तुमको सर वेस्ट चेंज वेस्ट चेंज वेस्ट चेंज सर कितने ऑफिसर है इधर मुझे एक बात बताओ तुम लोग को चेन ऑफ कमांड मालूम है कि नहीं मालूम है यस सर ड्यूटी के टाइम एग्जाम के टाइम तो बहुत बोल रहे थे कि हम चेन ऑफ कमांड फॉलो करेंगे 10 मिनट रुक नहीं सकते एक जगह पे सर वेस्ट चेंज हो गई थी हाँ तो रुक जाते हैं यहाँ पे क्या मुश्किल है मेरे को क्या जवाब रेडियो पे क्या जवाब दे रहे हो हम कब से वहीं पे थे और रजनीकांत सम्राट तुमको ये चीज समझ में नहीं आती वहां पे तुम पीढ़ी का मजाक बना रहे हो पांडे बेटे ठुल्ले बेटे क्या चल रहा है ये तुम्हारे बाप का खाता हूं मैं हां क्या तुम मेरे को यहां पे ये करते हो सीनियर हो तुम यू आर सस्पेंडेड फॉर 3 डेज गो 42 राइट नाउ 3 डेज सस्पेंडेड 82342 और नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा करेगा मस्ती मजाक ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में बैच रखो और चटको यहां से जरूरत नहीं तुम सबकी काम करने कमांड्स फॉलो नहीं कर सकते उधर मजाक मस्ती चल रही है उधर क्या चल रहा है क्या सिचुएशन है क्या बोल रहा हूं मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोई किसी की बात सुनूंगा नहीं यूनिफॉर्म उतारो बैच रखो जाओ मस्त मटर गस्ती करो चलिए अभी क्या बुला रहा वो जज कहां बुला रहा चलो खुद का मारो जंप जंप दो कितने ऑफिसर है अभी टोटल कार ले ली क्या चार ऑफिसर दो दो गाड़ी निकाल के चलिए हेलो मां कोई वो एम्प्लॉय अवेलेबल है आप अभी मेरे को कार लेनी थी कार हां तो मैं खुद को कॉल करता हूं हां पीडीएम आता हूं आजा तुम क्या हो गया 3903 1042 अरे वो उधर जाना है जज को मिलने रुक जाओ 104 आ रहा हूं अरे तो बोला नहीं गाड़ी लेके पांडे जी के साथ किसी गाड़ी थी वो वो लेके जाने के पूरे बैठो 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 चार ही ऑफिसर है ना अपन और कितने बैठ जाओ बैठ जाओ चलो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा एनओसी भी करवाओ ना यार रिसेप्शनिस्ट मेरे को एक जरा कॉपी दो ना अरे तो खड़ा उधर दिखने दे
लो ऊपर गाड़ी में आ जाओ बाहर बाहर सर बाहर मैं आ गया चलो रमेश मैं जाता हूं कोई दिक्कत नहीं है सामने ये इनका जो दोस्त कहां पे है ये सामने ये इन कहां पे कोर्ट हाउस की गाड़ी लॉक कर दीजिए ऑफिसर पांडे सर मैं 42 नहीं जा सकता क्या तुमको अर्जेंट है क्या अर्जेंट वैसा नहीं है सर तो इधर इनको मिलके तो चलो मैं वो किया है शहर के अब उनको तो दो तीन बार मिल गया हाँ तो फिर जाओ अगर अर्जेंट है तो तुमको तुम चले जाओ अर्जेंट नहीं है फिर वो लोग नहीं रहते ना जाओ 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 तुम जाओ हाँ मैं First of all, I just call... Jai Hind. First of all, I just call the higher authority. Sir, this is the protocol I'm following right now. So that's why no they problem. Are here with Other me. Officer, please stand outside. Boliye. You are the higher authority? Yes, sir. Your name? Chulbul Pandey, Lieutenant. Rank? Bola to Chulbul Pandey, Lieutenant. Okay. So, Chulbul Pandey ji. Boliye. मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा ठीक है पहली सिचुएशन मैं पीडी में गया वहां पर दो ऑफिसर्स थे टू ट्रूपर्स एक ट्रूपर ने मेरे को बोला सर आप इनको जेल कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ऑर्डरिंग मी टू जेल ओके यू आर लिसनिंग ना आप yes, जेल yes. कर दीजिए और व्हाट वाज द रीजन दैट ही वाज जेल्ड बिफोर समथिंग लाइक दैट ना वेजिटा ही वाज जेल्ड बिफोर एंड हां He was jailed before, but what happened? But he forget something or the fine was there? Okay. So yeah, tell him. So the situation was like, usko jail kiya gaya tha. Uska jail complete nahi hua. Okay. Somehow, wo jo in between jo hua tha, usko bhi usko bahar aa gaya. And uska fine nahi kata tha before jailing him. So, aur unko jail karna tha, fine cut ke, to inhone judge ko bula jail karne ke liye. Officer name? He was a trooper, if I'm not wrong. Officer name? वहाँ पे on scene वहाँ पे गोल्डी और शॉन्टी ये दो लोग थे उनमें से कौन था वो exactly याद है इसके लिए मैं बोल रहा officers को भी अंदर आने दो उनको भी पता चलेगा ना कौन थे bring the boat troopers Shanti and what you say Goldie. Chulbul to Shanti and Goldie come inside the room Goldie are you on dispatch? कुछ सिचुएशन बता रहे कि कुछ हुआ था जेल का सीन हुआ था सर जेल का सीन नहीं था वहाँ पे आपके साइड से एक्सप्लेन कीजिए पूरी सिचुएशन सिचुएशन ऐसी थी सर मैं जस्ट मोटल से आया था तो वो लड़का मेरे सामने खड़ा था उसने बोला कि मेरे को सेल्स प्रिजन मैंने टाइमिंग ले ली है और ऑफिसर ने मेरे से पुशअप कराए हैं और मुझे फाइन करने वाले थे और कुछ मतलब सिचुएशन की वजह से फाइन नहीं हुआ तो मुझे फाइन कर दीजिए तो मैंने उन्हें बोला है कि मैं नहीं कर सकता या तो वो ऑफिसर कर सकते हैं या हायर कमांड कर सकते हैं और मुझे जस्ट जैसे ही पता चला कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो DOG हैं तो मैंने उनसे पूछा डीओजे सर आप अलाउ करते हो तो मैं फाइन कर सकता हूं मतलब नहीं यू टोल्ड मी टू जेल हिम ओके यू डोंट नो नो आस्क मी और डोंट रिक्वेस्टेड मी यू टोल्ड मी आई नो योर टोन आप एक रुक जाओ उनको बोलने दीजिए बोलने दीजिए जज को बोलने दीजिए बोलिए सर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू सेंड अ पर्सन टू प्रिजन विदाउट टेकिंग फाइन
and you are asking the fine after the after he completed his punishment. एक चीज बताइए, व्हाट इज द एनओसी फीस? वहाँ पे जो उसके पहले यहाँ पे मैं एक इंटरव्यू ले रहा था बंदे का, he was disrespecting in front of that person जो इंटरव्यू देने आया था. और दूसरा चीज वहाँ पे जब अपने प्रोग्राम चल रहे थे, वहाँ पे जो हम अपने कॉन्डोलेंस देने गैदर हुए थे, वहाँ पे वो मेरी बार बार डिसरेस्पेक्ट कर रहा था. सो आई हैव यस वो एंड ही इज नॉट सम्राट, ही इज नॉट, उसका बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ. He is not following, और वो बहुत पीडी को यूनिफॉर्म पहन के बहुत पीडी को हल्के में ले A PD is charging 1.5 lakhs for the different reason. They have different amount of, and I have heard that 15,000 is also there. One is 15,000 and one is 1.5 lakhs. Sir, NOC things department right now handled by Officer Simba Balera. He is handling the NOC thing and Officer Samrat. But you guys are putting file up there, right? Viniji, give me a second. Show me the document of $1,000. Show me the document right now. Sir, right, that's what I'm trying to tell you. This NOC things, we have departments. The NOC department is handled by Officer Simba, sir. So, and sir, Officer Samrat was handling the situation. I am handling the gun license situation department. So, we thing. Can't interfere in... No, just tell me one thing. Yes. कि अगर कोई केस आता है, कोई डीओजे आता है, so will you wait for the you know officer to come and show us a document? You are the higher authority, right? So sorry. You are the higher authority. Yes, right now I am the higher authority. Don't you have a right to have a documents with you, or you are not willing to show us? Sir, right now I don't have. Sir, there are departments in PD, if you know. So you are in MRPD, right? So sir, there yes, are only, but... only let me complete. So there are departments like SWATs, NOOS, BCSO, yes. SSP. So these are the departments, right? Yes. So you're talking about that's your internal affairs. We don't care about it. So you are complete your authority, your higher authority of complete MRPD, right? Yes, sir. But right now, as our commissioner told us, the situation, the departments are divided. So it should be not be miscommunicated in situation. That's why these things are divided. Who will handle the department? So that's to the avoid thing. A miscommunication, yes. One of your officers will charge for. No, no, that's the wrong thing. That's what I'm saying. Ki 1,000 rupees is the charge, and that also. I think there is a 1,000 rupee charge. See, as far as you cannot say confidently unless you show us. Yes, because I am not handling the department. You cannot charge for NOC. So that's what I see. If it's not my department, then how I'll know what is going on? But as far my information, I don't want to know about departments. You know, I don't want. You are here as a PD higher authority, not the department authority. As my, if you want the documents,
as my senior, I let my senior know this thing is happening in PD, and we'll take a strict action against this. And one more problem, officer. Children. Yes, yes. State security in the city right now, so I call officers when needed. Sir, as per my SOP, I have to call the officers when I go out. Yes. Always two officers. One is Shanti and one is Goldie. Right, Officer Goldie? Yes, sir. And I have seen your department. Okay, I know everyone. I know everyone is well disciplined in your department. But one officer is not. Which officer, sir? Standing right next to you. when he is there for my security, he is not serious enough and he is not disciplined. So please take care of it. Okay, sir. Next time it won't happen. Discipline abhi lana, iske liye I have suspended one officer. Next time agar. Yes, sir. Yes, sir. You know what? When I was standing in the captain's office, na, one trooper first class was also misbehaving with me. So next time, I found that happening. I will directly. Sir, aapki awaaz kam aa rahi hai bahut. Okay, he is trying to say ki jab hum log captain's office mein the, one of the trooper first class named something like D'Souza. He actually, you know, we were talking to Samrat and he intervened into that, even though he was not involved in it. And is he's continuously interrupting me. Okay. Is that Henry D'Souza? Sir, what I can do best is right now, a lot of things are going in PD. I have given strike to a lot of officers. So what we can do is we can keep a meeting, the state meeting. Yeah, we are going to take a meeting. Okay? Yes. Yeah, and what... Yeah, do you know what's the brandishing of weapon? Yes, sir. Yeah, what is it? Sir, brandishing of weapons, that means ki agar, if you take your weapon in public area and you started pointing someone, so that is called brandishing of weapon. Okay, and what's the obstruction to justice? Sorry? Obstruction to justice. Obstruction to justice is like violating the protocol of the city. Then why don't you tell your troopers this thing? Why? Give me a reason. Sir, bol to. From trooper training to a trooper, okay? They have been given training for that and they should know the laws and they should know these things, okay? Yes, then sir. Then why the person, can you tell it? So the officer Tony arrested me without warrant. And how can an officer arrest any lawyer without warrant? On a basis where actually the lawyer wanted to save his client. Sir, that time I was in the situation, but when I entered the situation was matlab mere haath se nikal gayi thi. I tried to see, I was there, I told my officer that wo galat kar raha hai, but then ek bar case ban gaya hai, to hum aage kuch kar nahi sakte. So are you trying to say, you want me to say that you cannot handle your officers? Sir, par ek bar case ban gaya to it's agar wo galat hai to legally hi usko handle karna chahiye mere hisab se. Agar mere officer ne galat kiya hai to main usko legally hi, jaise maine aapko us din bataya. What actions you have taken on him? He has resigned from PD. He has resigned or you have kicked out of him out of PD? That's what na see, itne din se I was observe kar raha tha, jaise ki aaj maine Samrat ko suspend kiya hai and we have started new recruitments, so slowly I think PD will be good. Hamare officers bhi hai bahut sare. अटक है सबका. हाँ यार मजा है अभी. शांति किधर है? शांति मेरी गाड़ी चली नहीं जाएगी ना. गई बेटा गई. मॉर्गन गई थी एक बंदे को मैंने बेची थी, तो देखो टिकट खोलना पड़ेगा.
लिया गाड़ी लेके गैरेज में डाली डाल दी थी फिर ये सब फिर नहीं होगा फिर बच जाएगा देखते हैं अबे क्या कर रहे हो तुम लोग सालो छोटे छोटे पॉइंट उठा रहे हैं बराबर है वही तो खींचेंगे अभी भाई मेरी गाड़ी नहीं जानी चाहिए बहुत महंगी अपने रजनी ने बहुत गलती की कौन सी छोटी कौन सी गाड़ी थी अरे ये क्या है कितना चार्ज कर रहे हो तुम लोग एनओसी के लिए अरे हमने
10:41 PD garage upside. कि ये पावर का गलत उपयोग कर रहा है। ठीक है आ जाएगा, 3 दिन बाद आ जाएगा। ये भी सही है। हाँ भाई। ये आपके पास टाइम है ना तो एनओसी छापो, देखो बहुत सारे पेंटिंग पे जो टिक हो गए। हाँ अब वो पेपर वर्क करो, पेपर वर्क करो। ये भी सही है। नहीं करने का छोड़ो गाइस, जाने तो कल करते हैं आरपी, अपन उसको जज को बोल दो मैं भी जा रहा हूं। वो 57 पे अटकता है ना, तब नहीं होता कनेक्ट। Fetching info for the server, from the server. Chalo, so good night. Good night, good night. 2 baj gaye bhai saab.
गया, मेरा भी हो गया। चलो गाइस मैं भी जा रहा हूँ, कल करते यार। कल आ जाना यार थोड़ा। इसको वो साइज थोड़ा जरा अच्छा वॉइस चेंजर लगा है ना थोड़ा। कौन है पर ये मेरे को नहीं पता कौन है। कितना वॉइस चेंजर लगा रहा है। कौन है ये डीओजे? निक्की नहीं, ये निक्की व्हाट्सएप लोवर है। नहीं रे निको नहीं, इसका लोप साल पता है। मैं स्ट्रीम पे बोला है नल्ले को कौन जज बना दिया। सही है जोंटी तो सिटी में ही है। अरे वो उसका कनेक्ट हो गया था भाई, मेरा नहीं हो रहा कनेक्ट। सुनते भाई मैं क्या करूं, जरा अच्छा वॉइस चेंजर लगाओ भाई। चलो गाइस गुड नाइट। पैसा में नहीं आना चाहिए इतना। पैसा दो, पैसा पैसा दो, पैसा पैसा दो। क्या अच्छा वॉइस चेंजर फ्री में भी मिलता है? अरे वो, अरे एक फोन में पहले आते थे ना वॉइस चेंजर, वो लड़की की आवाज बन जाती थी पूरी। वो पीसी में क्यों नहीं आ रहे? इसे ना हो पाएगा फोन वाले वॉइस चेंजर। क्या गोली चला क्या है तो भाई? हो ही नहीं मतलब ये सर गोलियां चला रही है आजकल। इन रहने दो, नहीं हुआ आज भी होगा। चलो अब वेलो खेलते हैं, मैं भी स्ट्रीम बंद कर रहा हूं, वेलो खेलते हैं। चलो रजनीकांत कान था। ओके गाइस गुड नाइट, आज की स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं। T903 showing 1042 T9 1 5 same traffic 4 आ जाओ साहिल वेलो खेलते हैं। चलो भाई सबको टैग मार लियो, कुछ हो नहीं रहा मेरे से आज। ये बंद है भाई, अपना भी बंद है। चलो अपने वीसी आ जाओ। हाँ उसी में आ रहा हूँ, ये एंड कर दो एक बार। T911 शिवन्या 1042 Thanks for your service. Look, I actually did not pay good name, but take care. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going.